आवाज आ रही है ना? जी हाँ, बताइएगा केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नया नाम जो रखा है इनमें से क्या रखा है? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं, प्रयास अच्छा है। चलिए संविधान भवन कह रहे हैं कुछ लोग, और दोस्तों इसका आंसर देखा जाए बिल्कुल सही है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा संविधान सदन है। क्या है? संविधान सदन इसका आंसर बनेगा, जिसका ऑप्शन है यहां पर आपका दोस्तों ये नंबर है, जवाब आपका बन जाएगा संविधान सदन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा है केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या रखा है, तो यहां पर संविधान सदन इसका आंसर राइट हो जाएगा, ये नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि हाल ही में लोकसभा में संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के कितने प्रतिशत सीट देने वाले महिला आरक्षण विधेयक 2023 पेश किया है? चलिए यहां पर जवाब देना है कि हाल ही में लोकसभा में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक 2023 को पारित किया है, यहां पर पेश किया है। दोस्तों टू की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 33% है ना। याद रखिएगा जो लोकसभा है और राज्यसभा दोनों में महिला आरक्षण विधेयक भी आपका है, और देखो देखा जाए तो यहां पर जो महिलाएं होंगी वो एक तिहाई होंगी है ना, जो भी आपकी सीटें हैं, जैसे आपका राज्य विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, दिल्ली विधानसभा हो गया, तो यहां पर जो महिलाएं होंगी ना उसमें एक तिहाई सीटें आपके आरक्षित होंगी। तो कुल मिला के ऑप्शन बनेगा यहां पर जिसका राय सी नंबर है, जवाब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है? यहां पर थ्री की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, थ्री को ऑप्शन देना है और थ्री को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये है आपका स्थल। क्या हो जाएगा? स्थल जो आपका दिया गया स्थल, ये भैया आपका ऐसी फिल्म आपकी मराठी फिल्म है जो कि यहां पर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में एशियाई पुरस्कार जीता है, ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस अर्थात मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए यहां पर जवाब देना है कि हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस अर्थात मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन जो हुआ है कहां पर हुआ है, फोर को ऑप्शन देना है। दोस्तों यहां पर याद रखिए ये है आपकी नवी मुंबई। क्या हो जाएगा? नवी मुंबई, जिसको ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा है ना। मतलब देखा जाए तो ये एक समझौता भी हुआ है ना, ये आपके भारतीय मसालों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से समझौता हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहां पर आपसे देखो दिया गया है कि नए संसद भवन में पहला ऐतिहासिक सत्र की स्थिति को शुरू हुआ, बताइएगा कि नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र की स्थिति को शुरू हुआ है? चलिए देखिए फाइव की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा, यहां पर दोस्तों लगभग लगभग देखा जाए कुछ लोगों ने जवाब दिया है ना, इसका जो आंसर बनेगा उसी हो जाएगा 19 सितंबर 2023। क्या हो जाएगा? 19 सितंबर 2023 यहां पर जो आंसर है, यहां पर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहां पर देखिए क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? बड़ा आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, याद रखिएगा यहां पर जो 6 नंबर आपका दिया गया है, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? तो यह शांति निकेतन और आपका होयसल मंदिर, अर्थात यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर है, इनमें से दोनों ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपडेट आपका है ना, यहां पर देखा जाए तो भैया यूनेस्को ने आपके धरोहर सूची में यहां पर शामिल कर लिया है, तो ऑप्शन जिसका आएगा सी नंबर है, यहां पर जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए यहां पर जवाब देना है, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? 7 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, यहां पर भारत हो जाएगा, माना भारत ने जीता है, 10 विकेट से जीता है। दोस्तों देखा जाए 6.1 ओवर में ही 10 विकेट से जीत लिया है, और किसके साथ? तो भैया देखा जाए तो श्रीलंका टीम की, मतलब श्रीलंका के साथ ऐसा हुआ है ना, तो भैया इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, श्रीलंका को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया है ना। बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर हमने आपको बताया भी था कि आपको यहां पर करंट अफेयर में परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, हमने कहा भी है कि आपको करंट अफेयर के नाम में आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं हमको करंट अफेयर अभी क्या है क्या नहीं है, कल की करंट अफेयर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बस आपको क्लास में बने रहना है, करंट अफेयर की जो भी क्लास होती है बस आपको देखते रहना है, पूरी की पूरी करंट अफेयर आपको यहाँ पर हलवा जैसे लगेगी, बस आपको डेली का डेली जुड़े रहिएगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि नहीं करंट अफेयर भी अभी यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या क्या रहा है यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया है?
दोस्तों यहां पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात कर लेते हैं तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है यशो भूमि। क्या रखा गया है? यशो भूमि नाम से ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है, ये 17 सितंबर को राष्ट्र को समर्पित किया है। कितने? तो 17 सितंबर को किया है दोस्तों, याद रखिए 17 सितंबर। क्लियर है? यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पैरा कमांडो में शामिल होने वाली हाल ही में भारतीय सेना की स्पेशल पहली महिला सर्जन कौन बनी है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, अगर हम आपसे 9 का जवाब पूछे तो आप आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर इनका नाम है मेजर पायल बाछड़ा। क्या नाम है? मेजर पायल बाछड़ा इनका नाम है। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लिया है और पैरा कमांडो अब बन गए हैं दोस्तों, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहां पर देखा जाए तो आपकी देश की पहला महिला आपकी ऐसी जो परीक्षा में पास भी हो गई है, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 इंपैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना है। दोस्तों यहां पर 10 का ऑप्शन देना है और 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी यहां पर देखा जाए जो ऑप्शन सी है ये आपके आयुष खुराना, है ना, आयुष्मान खुराना जो कि बॉलीवुड स्टार है, ना बॉलीवुड स्टार है आयुष्मान खुराना, इस साल प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा प्रतिष्ठित टाइम 100 इंपैक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। दोस्तों यहां पर जो आंसर आपका सी नंबर है, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 कंपनी की सूची में एकमात्र किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 11 नंबर में। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो आपका देखा जाए इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट है, 15 सितंबर 2023 है, 15 सितंबर 2023 है दोस्तों, याद रखिए इन्फोसिस ऑप्शन बनेगा। यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा, इन्फोसिस को यहां पर याद रखिएगा शामिल कर लिया गया है, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन लॉक करेंगे। पर देखो दिया है केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निदेशक नियुक्त किया है, 12 का ऑप्शन यहां पर डी नंबर है, ये राहुल नवीन है। क्या है? राहुल नवीन बने हैं ईडी कार्यवाहक निदेशक, है ना। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए इसके पहले संजय कुमार मिश्रा था जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है, उनकी जगह यहां पर राहुल नवीन 15 सितंबर को यहां पर मतलब बन गए हैं। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहां पर जवाब देना है। चलिए भैया यहां पर जो आपका आंसर है कहीं ना कहीं यहां पर जो आंसर आपका आ रहा है कि थर्मन संगुल रमन। यहां पर देखिए, यहां पर देखा जाए जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा थर्मन संगुल रमन, ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं और सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, आपका नोट कर लेना है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को आकांक्षी जिले के रूप में जलीय जीवन सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन यहां पर लॉक करना है, आपका आंसर में से क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को आकांक्षी जिले के रूप में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार से चुना है। तो भैया ये है आपका नारायणपुर, क्या हो जाएगा, नारायणपुर है। यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, नारायणपुर है दोस्तों, याद रखिएगा। देखा जाए तो नारायणपुर जिले के गांव गांव में हर ग्रामीण को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना ये चुनौतीपूर्ण आपका है दोस्तों, ऑप्शन यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में राजस्थान में चंबर रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहां पर किया गया है। बताइएगा राजस्थान में जो आपका चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का ये पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है, इसका लोकार्पण जो किया गया है ये कहां पर किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब यहां पर देना है क्वेश्चन 15 ऑप्शन लॉक किया जाए। दोस्तों यहां पर देखा जाए जो ऑप्शन आपका है वो सी हो जाएगा, कोटा में है। कहां पर है ये भैया? आपके कोटा में है, कोटा में है, ये देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट आपका है, इसका लोकार्पण किया गया है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है। आप कहेंगे सर 16 का ऑप्शन देखा जाए तो यहां पर भी नंबर हो जाएगा गुजरात में, क्या है, कहां पर है, तो आपके गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है, इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका भी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए अपना पहला नया C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त किया है।
क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये किस देश से, तो आपकी स्पेन से। कहां से? तो स्पेन के सेविल में है ना एयरबस कंपनी है, अधिकारियों को रिसीव किया गया है और भारत में इसे टाटा कंपनी बनाएगी। दोस्तों याद रखिएगा स्पेन ने इसे एयरबस बना रही है, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए स्पेन हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश के डरना शहर में डैनियल नामक तूफान और विनाशकारी बाढ़ से 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये आया है बाढ़ से पीड़ित लगभग 20,000 से अधिक लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। बहुत बड़ी बात होती है 20,000 लोगों की। तो दोस्तों ये आपके लीबिया में है, लीबिया की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए अगर हम आपसे बोले कि सर लीबिया नाम इसके पहले भी सुना गया है, बहुत ज्यादा सुना है, बहुत ज्यादा शायद आप लोगों के जवान में उस समय लीबिया लीबिया ही था, तो भैया ये बताइए लीबिया आपके हाईलाइट में था, क्यों था? इसके पहले अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लीबिया जो था वो क्यों था? एक नामीबिया भी था, नामीबिया से यहां पर चीते भी लाए थे, नामीबिया से चीते लाए गए थे। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि आईसीसी ने अगस्त 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया है। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहां पर देख सकते हैं कि भैया यहां पर पुरुष और महिला का जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है वो किससे मिला है। यहां पर देखिए याद रखिएगा कि अगर पुरुष में पूछा जाए तो भैया नंबर वन में आपके बाबर आजम जो आपके कौन है, पाकिस्तान है, है ना। और भैया यहां पर देखा जाए तो आपके अर्लिन केरी जो आपके आयरलैंड की है, इनको दोस्तों याद रखिएगा कि अगस्त महीने के लिए याद रखिए पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किया गया है, नोट करिएगा ठीक है ना। और देखा जाए जो बाबर आजम है ये अपने कैरियर का तीसरी बार ये किताब जीता है, अपने कैरियर में तीसरी बार ये किताब जीता है, अपने नाम किया है ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे ये हाल ही में किस एयरलाइन ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। दोस्तों ये बताएगा कि प्रोजेक्ट अभिनंदन जो शुरू किया है ना, ये भैया आपके देखा जाए तो हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव किस एयरलाइन ने। दोस्तों 20 नंबर में 20 को ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहां पर भैया इसका नाम है एयर इंडिया, क्या हो जाएगा? एयर इंडिया ने दोस्तों याद रखिएगा कि स्पेस अपडेट कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर देखा जाए तो हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन यहां पर शुरू किया है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुआ है। दोस्तों ये बताना है भारत और सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद जो आपकी है इसकी पहली बैठक कहां पर हुई है। दोस्तों यहां पर याद रखिएगा आपका 21 नंबर में जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा ए नंबर है, आपके नई दिल्ली में, कहां पर है? आपके नई दिल्ली में ये आपकी कह सकते हैं बैठक हुई थी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा ए नंबर बन जाएगा ठीक है ना। यहां पर बस उद्देश्य यही होता है भैया कि जो क्षेत्र आपके अहम क्षेत्र है उनमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया उनमें क्या होता है ना, एक मिलान होता है कि भैया हम आपको इतना हेल्प करेंगे आप हमको हेल्प करेंगे। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन को लॉक करना है कि भैया यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो भैया याद रखिएगा यूएस ओपन में ये जीते हैं कौन, ये जीते हैं नोवाक जोकोविच जो कि आपके कहां के हैं, सर्बिया के हैं। कभी क्वेश्चन पूछे कहां के हैं तो आप कहेंगे सर ये सर्बिया के हैं, है ना। और इन्होंने 11 सितंबर 2023 को ये किताब अपने नाम कर लिया है, आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के किन कन्वेंशन हॉल में किया गया था। और भैया इस बार को देखा जाए जब G20 का आयोजन किया गया था, है ना, ये क्या है, शिखर सम्मेलन है। हमने आपको बताया था कि G20 कई प्रकार के होते हैं, G20 में कई चीजें आ जाती हैं। ये जो आपका G20 शिखर सम्मेलन है इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया था कन्वेंशन हॉल में। तो दोस्तों ये बताना है कि आपका आंसर हो जाएगा इनमें से क्या, मुख्य आयोजन नई दिल्ली के किस कन्वेंशन हॉल में किया गया 23 नंबर। दोस्तों आपसे बनेगा यहां पर दोस्तों याद रखिएगा भारत मंडपम, है ना, भारत मंडपम जब ये G20 आपका हुआ था भैया ना, याद रखिएगा उस दिन क्या हुआ था, उसके एक दिन दो दिन पहले और एक दो दिन बाद दिल्ली में जाम, मतलब दिल्ली में बंद ही कर दिया गया था, बहुत चीजें बहुत दुकानें बंद कर दी गई थी, जो जरूरी था उतना यहां पर ओपन किया गया था, नहीं तो बहुत ऐसी चीजें यहां पर बंद थी दोस्तों, है ना। तो यहां पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बनेगा क्या, यहां पर बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा साथियों ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंप दिया है। तो दोस्तों ये बताना है कि भैया अगले साल 2024 में अब जो G20 की मेजबानी है वो किसे सौंप दिया है, कौन से देश को सौंप दिया है। चलिए यहां पर जवाब देना है 24 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। दोस्तों 24 की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर भैया ब्राजील को सौंप दिया है, आप याद रख लेना है ब्राजील इसका जो आंसर है बी नंबर है, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है लेकिन कुछ लोग यहां पर डी दे रहे हैं, याद रखिए इसका ऑप्शन बी नंबर ब्राजील इसका आंसर है, राइट हो जाएगा साथियों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश या संस्थान को G20 का नया स्थायी सदस्य बनाया गया है।
ये बिल्कुल आईएमपी है, बहुत ही आईएमपी है, याद रखिएगा। ये तो एमपी है कि भारत ने किया है, लेकिन ये भी आपको है कि एक स्थायी सदस्य भी बना दिया गया है। किसे बनाया गया है ये जवाब देना है। तो दोस्तों ये आपका है अफ्रीकन यूनियन को, ठीक है, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब दोस्तों देखा जाए तो अब ये G20 नहीं रहा है, अब ये क्या हो गया है, G21 आपका हो चुका है, याद रखिएगा। कल क्वेश्चन पूछे तो आप कहेंगे सर अब ये G21 हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। किसे शामिल किया गया, तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और अगला क्वेश्चन देखिए और भी लाजवाब क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है कि भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है, 26 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 26 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 8। कितने देशों के साथ मिलकर, 8 देशों के साथ मिलकर, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर यह शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है आपसे कि नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हुआ है, इस प्रोजेक्ट में शामिल कौन से देश हैं। यहां पर दोस्तों बनना है क्वेश्चन, तो बनना ही बनना है। यहां पर दोस्तों भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, मतलब इनमें से सभी देश आपके शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्ट कार्ड जारी किया है। किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्ट कार्ड जारी किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 28 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर ये नंबर हो जाएगा, याद रखिए SBI ने, किसने, SBI, इसका आंसर राइट हो जाएगा, SBI हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर आपको जवाब देना है 29 नंबर में, और 29 की अगर बात कर लिया जाए तो दोस्तों आपको जवाब देना है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया इस बार को भी देखिए, यहाँ पर इंदौर ने लगातार बाजी फिर से मार दिया है, या देखिएगा इंदौर ने पहला और आगरा ने दूसरा स्थान, ठीक है, इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है और आपके आगरा ने दोस्तों यहाँ पर दूसरा शहर, दूसरा यहाँ पर किया है, और बड़ा अच्छा लग रहा है आगरा में, काफी स्वच्छता, अभी हम गए थे तो वहां पर देखे थे, बड़ा स्वच्छता थी वहां पर, है ना। आगरा ने दूसरा स्थान यहां पर हासिल कर लिया है, ठीक है, और आगरा दूसरे तो यूपी में टॉप पर आपका ही है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ था। दोस्तों जवाब देना है कि जो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन है ये 2023 है, ये कहां पर आयोजित हुआ है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर यहां पर राइट क्या हो सकता है, ये आपके इंडोनेशिया, जो कि आपके जकार्ता में हुआ है, ये 43वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन है ना। ये सम्मेलन 5 से 7 सितंबर 2023 तक आपका चला था, तो आप समझेगा यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। चलिए तो भैया आपका देखिए हिमाचल प्रदेश भी आपका है, और इनमें से जो आपका है कौन सा है, तो इनमें से आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो भी आपका यहाँ पर दिवस देखा मनाया जाए तो 15 अप्रैल को ही मनाता है हिमाचल प्रदेश भी, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेवल UPI ATM लॉन्च किया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेवल UPI ATM लॉन्च किया है। 32 का ऑप्शन लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर 32 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसका नाम है यहां पर हिताची पेमेंट सर्विस। क्या नाम है? हिताची पेमेंट सर्विस, इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहां पर क्वेश्चन कि हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 जवाब देना है कि हाल ही में RBI के जो गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास, इन्होंने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम लॉन्च किया है। दोस्तों 33 नंबर का जवाब से बनेगा, इनमें से आपका हो जाएगा ए नंबर, या आपका हेलो, क्या हेलो UPI, क्या हेलो UPI, या देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, हेलो UPI हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया है। दोस्तों 34 की अगर बात कर लेते हैं तो आपसे में से क्या हो जाएगा, तो सोलर सिटी आपकी है, और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो सकता है। चलिए फटाफट जवाब देना है, एक किस शहर में देश की पहली सोलर सिटी है, और जब पहली बात होती है तो आपको याद रखिए आपका आंसर IMP हो सकता है। तो यहाँ पर 34 को ऑप्शन सी हो जाएगा, सांची। क्या हो जाएगा? सांची में लगभग देखा जाए तो आपके 7,000 निवासियों ने बिजली बचाने का संकल्प लिया है, और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा, आपका जवाब राइट हो जाएगा, सांची, जो कि आपके विश्व धरोहर में भी आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन देना है, जवाब दीजिएगा आपका आंसर क्या बनेगा।
तो दोस्तों याद रखिएगा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम ये जो सम्मानित किया गया है आपके किस रेलवे स्टेशन को, 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका विजयवाड़ा, क्या हो जाएगा विजयवाड़ा, जो ऑप्शन है यहाँ पर है आपका राइट इनमें से हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अमेरिकी राज्य केंटकी लुईविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा किया है। यहाँ पर बताना है कि अमेरिकी राज्य केंटकी ने लुईसवे शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा किया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा 3 सितंबर, क्या 3 सितंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ये अमेरिका का शहर है आपका लुईसविले। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 37 का ऑप्शन लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर 37 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर, इनका नाम है आर माधवन, क्या नाम है आर माधवन, इसके पहले कौन थे शेखर कपूर थे, शेखर कपूर का कार्यकाल 3 मार्च 2023 को खत्म हो गया है, अब यहाँ पर आर माधवन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इसरो ने किस तिथि को आदित्य 51 नामक भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन ये हो सकता है, हमने बताया कि हर एक क्वेश्चन जरूरी नहीं होता है कि एग्जाम में आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि संभावित होते हैं कि यही क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसरो का है आदित्य 51 मिशन, और देखा जाए तो आप कंसर्न में से क्या हो जाएगा 38 नंबर ऑप्शन को लॉक करें। चलिए 38 का देखिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, और आपका जवाब हो जाएगा 2 सितंबर 2023 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है, आपका आंसर इनमें से क्या होगा, यहाँ पर 39 नंबर में 39 का ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, ये है आपके शक्तिकांत दास, क्या है शक्तिकांत दास, विश्व स्तर पर देखा जाए तो शीर्ष केंद्रीय बैंकर हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और जैसे मोदी जी हर क्षेत्र में देखिए नाम कमा रहे हैं, वो भी भैया शक्तिकांत दास भी अपने हिसाब से देखा जाए तो गवर्नर के रूप में बहुत अच्छी तरीके से नाम कमा रहे हैं, है ना, इनका भी नाम बिल्कुल ब्रांडेड हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे कि मुंबई के किस नाम से प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए गए 7वां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये नंबर क्या है आपका 7वां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज है, और दोस्तों याद रखिए लॉन्च के इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा INS महेंद्रगिरी, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है INS महेंद्रगिरी नाम है, और ये भैया कौन से प्रोजेक्ट के तहत है, तो आप कहेंगे प्रोजेक्ट अल्फा 17, ठीक है प्रोजेक्ट 17 जो अल्फा है इसके तहत आपका हुआ है, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये आपका लॉन्च किया गया है आपके मुंबई में, 1 सितंबर को लॉन्च किया गया मुंबई में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, मतलब देखा जाए जो आपके विधानसभा के चुनाव है और भैया यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है वो एक साथ आपके दोस्तों यहाँ पर करने के लिए एक समिति का गठन किया है, इसका आंसर में से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर वन नेशन क्या दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन एक समिति का गठन किया है। 41 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 41 का ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है रामनाथ कोविंद, ठीक है रामनाथ कोविंद इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से हो जाएगा दोस्तों, इनकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ आपकी कौन बनी है। बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन आपका दिया गया है, संभावित है क्वेश्चन मिल सकता है, याद रखिए रेलवे बोर्ड की ये पहली महिला अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं, यहाँ पर इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है दोस्तों याद रखिएगा जया वर्मा सिन्हा, क्या नाम है जया वर्मा सिन्हा, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी यहाँ पर की। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो आपकी है आंसर नंबर इसका राइट हो जाएगा 42 का ऑप्शन जिसका आ रहा है ये नंबर आपका जवाब है राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। चलिए आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है, बताना है कि किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है, तो भैया हिंदुओं के लिए तो आईएमपी होना चाहिए। यहां पर दोस्तों 43 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, ये है जॉर्जिया, ठीक है अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत ने अक्टूबर को आधिकारिक रूप से हिंदू विरासत माह घोषित किया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें भी आप क्वेश्चन में सिलेक्ट लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए जितना आपको लगाना है,
है ना, ये भी क्वेश्चन आपका आईएमपी है, जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा है। दोस्तों याद रखिए इनका नाम है यहाँ पर डॉक्टर रवि कन्नन, क्या नाम है, डॉक्टर रवि कन्नन हो जाएंगे, जो कि 2023 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया गया है। और दोस्तों ये पुरस्कार देखा जाए तो जन केंद्रित और गरीबों के कल्याण के लिए भोजन आवास और रोजगार सुविधा प्रदान करने के लिए इनको दिया गया है, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका याद रखेगा। और भैया जब भारतीय होते हैं तो आपको आईएमपी क्वेश्चन आपका हो ही जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है। तो भैया देख सकते हैं ये 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और पूरी तरह से भैया ये शुरू कर दिया गया है, और ये आपके है कहां पर, ये जवाब देना है। चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 45 नंबर में जो आप समझेगा क्या हो जाएगा। तो भैया ये है आपका काकरा पारा, जो आपके गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए पहला स्वदेशी रूप से विकसित है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरीके से क्या हो गया है, परिचालन हो गया है। तो आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा पहला स्वदेशी है तो जब कोई चीज पहली होती है तो आईएमपी जरूर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये कितना है तो 700 मेगावाट की जोड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। चलिए और आईएमपी क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन एक और मिल गया है। भैया यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 आपकी महारत्न कंपनियां थी, अब यहाँ पर 13वां महारत्न कंपनी आ गई, इसका नाम बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 46 नंबर में। तो ये है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा। बहुत आईएमपी क्वेश्चन आपके हैं, हर एक क्वेश्चन में दम आपका है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना है। और दोस्तों जैसे ही क्लास खत्म होती है एक बार इसका रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जो कि और भी अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। चलिए जवाब दीजिएगा कि भैया 69 नंबर का जो फिल्म अवार्ड था इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। यहां पर 47 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो भैया यहां पर आंसर कौन सा बनेगा, चलिए यहां पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका है 69 नंबर का, ये अभी देख सकते हैं हाल ही में आपका हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट आपका है, और इसमें से आपका है कौन है, तो ये है आपका रॉकेट्री, क्या है, रॉकेट्री है। नोट करिएगा, गलती सबसे होगा, याद रखिए यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, रॉकेट्री इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। ना तो यहां पर आपके गंगूबाई हैं, ना तो शेरशाह हैं, ये 69 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, यहां पर रॉकेट्री इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है यहां पर समझिएगा कि FIDE विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। अब लीजिए एक और भी अच्छा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भैया यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर स्पेन ने, यहाँ पर देखा जाए जो आंसर आपका है इनमें से क्या होगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन, चलिए हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है क्या 48 नंबर है, ठीक है 48 नंबर डाल लीजिएगा। और यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है ये इनका नाम है मैग्नस कार्लसन है, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका पुरस्कार है नाम क्या है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर है ना, ऑनर पुरस्कार है, ये सम्मानित किया गया है आपके ग्रीस के राष्ट्रपति, यहाँ पर कौन है तो कातेरिना सली कार्पोरोपुलू, उनके द्वारा दिया गया है, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आईएमपी क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है। चलिए भैया चुनाव आयोग है, चुनाव पास में, तो भैया चुनाव से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, स्टार लगाइए इसमें भी। यहाँ पर देखो दिया है कि किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है, 50 नंबर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो भैया इनका नाम है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और भैया वर्ल्ड कप जो हुआ है तो उसमें पहले दिन यहाँ पर ट्रॉफी जो आपके लाए हैं, ट्रॉफी भैया सचिन तेंदुलकर ने ही ट्रॉफी को रखा है स्टेडियम में, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आईएमपी क्वेश्चन आपका अगला भी आ गया है, कह रहा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। एक और बेहतर क्वेश्चन बताएगा कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल स्टार से डबल स्टार आपका है, जितने स्टार लगा देंगे उतने स्टार इसमें से कम हो जाएंगे। दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भैया यहाँ पर जवाब देना है कि भैया जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था है ना, ये कहां पर हुआ है, इसका आंसर बनाइएगा। ये वाला जो हुआ है आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और अगर आपसे पूछे G20 वाला कहां हुआ है, तो G20 नई शिखर सम्मेलन है ये कहां हुआ है, तो आपके नई दिल्ली में हुआ है। तो दोनों पॉइंट को याद रख लेना है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
चलिए भैया एक और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है आपके एग्जाम में, पुरस्कार से क्वेश्चन एक या दो आपके मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए अबावन को आप समझेगा क्या, तो भैया ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस पुरस्कार को पाने वाले 41वें नंबर के आपके व्यक्ति बने हैं। कौन है? 41वें नंबर के व्यक्ति बने, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है, तो भैया यहाँ पर यूरोपीय देश इसका नाम क्या है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए 53 नंबर में, तो 53 का ऑप्शन क्या बनेगा जल्दी से बताना है आपका, जो आंसर है 53 नंबर में वो ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है, चलिए राइट आंसर देना है यहाँ पर, जो आंसर है आपका सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 मई 2023 को जर्मनी, ये जो आपका जर्मनी है, लेकिन जर्मनी दिया गया है कहाँ पर, बी नंबर दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। ये जो जर्मनी है भैया ये देखा जाए मंदी की चपेट में आ चुका है, क्या मंदी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। एक और बेहतर क्लास, एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बताइए जल्दी से क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है और इसका उद्घाटन जो किया गया है कहां पर किया गया है, और ये भारत का पहला है, तो आपका किया गया बेंगलुरु, बेंगलुरु जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर, बी नंबर आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, बेंगलुरु जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 3 मंजिला डाकघर है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर दिया गया है कि NTPC ने कहां परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस परिचालन शुरू किया है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली बस है और इसका शुरुआत किया है NTPC ने और कहां से किया है। 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, लेह, कहां पर, लेह में हाइड्रोजन बस का ट्रायल है यहां पर रन शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि हाल ही में क्वाड सदस्य देशों, है ना, जो कि क्वाड में सदस्य में कौन से लोग होते हैं, क्वाड सदस्य में आपके 4 देश हैं, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि क्वाड सदस्यों में संख्या कितनी होती है, तो 4, यहां पर अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें से कह रहा है कि का नौसैनिक मालाबार युद्ध 2023 कहां पर हुआ है, तो IMP क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि क्वाड से क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि भैया 4 ही सदस्य आपके हैं। अब यहां पर बताइएगा क्वाड सदस्य देशों में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का यहां पर नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास हुआ है और कहां पर हुआ है, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और एक और भी बेहतर क्वेश्चन फिर से आ गया कि हाल ही में WHO ने कहां पर औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है। चलिए बताएगा कि हाल ही में WHO ने कहां पर है पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया है वो आपके कहां पर किया है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा, ये 17 अगस्त 2023 को हुआ है और 57 ऑप्शन में से बनेगा क्या, तो भैया ये आपके गांधीनगर जो कि गुजरात में, गांधीनगर जो कि गुजरात में हुआ है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल IMP है क्योंकि भारत में हुआ है तो बिल्कुल IMP हो सकता है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता 50 मीटर वाली रिवॉल्वर लॉन्च किया गया है। आपने घटनाचक टोसरीज का मॉडल पेपर सोल्व किया होगा, वहां पर एक सेम टू सेम क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिला था ना, घटनाचक टोसरीज आपने सोल्व किया था, वहां पर ये क्वेश्चन मिला था, सेम टू सेम क्वेश्चन बताया भी था। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रबल, नाम क्या है, प्रबल नाम है, ऑप्शन बनेगा यहां पर कौन सा, तो 58 का ऑप्शन जो बनेगा यहां पर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से 6ठे नौसैन्य युद्ध अभ्यास का जलावतरण किया है। दोस्तों यहाँ पर 59 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो भैया इसका नाम है INS विंध्यगिरी और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वारशिप नाम से ये लॉन्च किया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है। चलिए किस राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है, यहां पर आंसर देना है। IMP क्वेश्चन आपका दिया है 60 नंबर में और 60 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर सी हो जाएगा दोस्तों, गोवा, गोवा यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब ये बताइए आप लोग, क्योंकि हमने तो बताया आप लोगों को, बताइएगा गोवा के मुख्यमंत्री हैं कौन। चलिए यहां पर जवाब देना है कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं इनमें से कौन हो जाएंगे, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, कमेंट करिएगा कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं कौन, क्योंकि हमने तो आपको बार बार पढ़ाया है और आपसे बार बार पूछते हैं ताकि आपको ये सब तैयार हो जाए, ठीक है ना। चलिए प्रमोद है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, प्रमोद सावंत, याद रखिएगा प्रमोद सावंत जो आपके हैं ये कौन है, तो आपके गोवा के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और यहां पर देखा जाए तो मायेम गांव का जैव विविधता एटलस जारी किया है और जिन्हें उन्होंने भारत में किसी गांव का ये पहला एटलस है, किसी गांव का ये पहला एटलस है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का टॉयलेट मैन कहे जाने वाले और सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का नई दिल्ली में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये इनको भारत का टॉयलेट मैन कहा जाता था, चलिए बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में अग्रणी यही रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है टॉयलेट साफ करते थे, मतलब शौचालय के निर्माण में ये अग्रणी भूमिका निभाया है।
देखा जाए तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, और जो याद रखिएगा दिल्ली में है ना क्या दौरा पड़ने की वजह से भैया इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। क्या बनेगा? बिंदेश्वर पाठक, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या आपसे कि हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को किस विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडली पुरस्कार प्रदान किया है। और अच्छा क्वेश्चन है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, अर्थशास्त्री हैं राज चिट्टी, और इनको किस विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा 62 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, ए नंबर, ये आपके हार्वर्ड विश्वविद्यालय आपका आंसर है राइट हो जाएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हर महीने खाद्य सामग्री निःशुल्क देने हेतु अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू किया है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, बताइएगा कि किस राज्य ने हर महीने खाद्य सामग्री निशुल्क देने हेतु अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू किया है। आप कहेंगे सर 63 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, तो 63 का ऑप्शन डी नंबर राजस्थान, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, राजस्थान आपका जवाब है राइट हो जाएगा। और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने फ्री में तेल, मसाला, दाल, चीनी, नमक, ये सब पैकेट आपको दिए जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 9 से 15 अगस्त 2023 आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह के दौर पर कौन सा अभियान चलाया गया है। चलिए जवाब देना है आपका, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर दोस्तों देख सकते हैं 9 से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन महोत्सव में या समापन समारोह के रूप में कौन सा अभियान चलाया गया। 64 ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए 64 का जो ऑप्शन है यहां पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। चलिए यह आजादी का अमृत महोत्सव है, यहां पर देखा जाए जो आपका आंसर आ गया है, कुछ लोगों ने तो जवाब दिया है भैया, लेकिन सबका जवाब तो नहीं आया है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, मेरी माटी मेरा देश, बिल्कुल सही है, याद रखिए यहां पर जो आपका आंसर है, यहां पर मेरी माटी मेरा देश, यहां पर जो आंसर आया है आपका आंसर ये हो जाएगा मेरी माटी मेरा देश, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है समापन कह रहा है ना, समापन कह रहा है, शुरुआत तो हुआ था हर घर तिरंगा से, शुरुआत हुआ था हर घर तिरंगा से, लेकिन जब ये समापन हुआ है तो इसका अभियान का नाम दिया गया मेरी माटी मेरा देश। तो याद रखिए इसका आंसर देना है आपको ए नंबर देना है, क्योंकि यहां पर पूछा गया है समापन समारोह पूछा गया है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की, यहां पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसको ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। 66 का ऑप्शन देना है आपका, आंसर में से क्या हो जाएगा, यह पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री आपके हैं कौन, तो कार्यवाहक आपके हैं कौन, इन्होंने शपथ लिया है, इनका नाम क्या है। 66 का ऑप्शन दीजिएगा सभी लोग। सिनेमा बिल्कुल सही है, अनवर उल हक काकर है ना, ये हैं जो कि एक कार्यवाहक आपके बने हुए हैं जो कि आपके प्रधानमंत्री के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना, पूरी तरीके से लेटेस्ट करंट अफेयर आपके हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरान मार्क टू ड्रोन को शामिल किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश के द्वारा निर्मित है, ये आपका हेरान मार्क टू, और इसको शामिल कर लिया है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये इजराइल के द्वारा आपका बनाया गया है, ठीक है, इजराइल के द्वारा ये निर्मित है आपका हेरान मार्क टू, इसको शामिल कर लिया है वायुसेना में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर चौथी बार ये खिताब जीता है। दोस्तों 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, यहां पर मलेशिया, क्या हो जाएगा मलेशिया, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये 12 अगस्त का है, ठीक है, 12 अगस्त का है। अभी यहां पर जो एशियन गेम हो रहे थे, एशियन गेम 2023 हो रहे थे, उसमें से क्या हुआ, भारत ने जापान को हराकर, क्योंकि अब जब गूगल करेंगे तो आपको जापान दिखाई देगा, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 में, तो फाइनल में भारत ने किस देश को, तो याद रखिए मलेशिया, इसका आंसर आपको डी लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु इसकी अध्यक्षता में सुधामूर्ति, कामाशंकर महादेवन और विवेक देवराय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा किसके, तो यहाँ पर ऑप्शन बने आपका नंबर महेश चंद पंत, क्या है महेश चंद पंत जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है हो जाएगा। इनकी अध्यक्षता में ये 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है जो कि पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए है, और ये किया है आपके एनसीईआरटी ने। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किसे प्रतिष्ठित डायवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन देना है, और 70 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा, इनका नाम है मृणाल ठाकुर। क्या नाम है? मृणाल ठाकुर है। इनको डायवर्सिटीज इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका एरमरे, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है। अच्छा क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है। तो बताइएगा कि इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है 71 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, याद रखिए राजस्थान। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे कि हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना है, जो कि पूरी तरीके से महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है। मतलब ये जो आपकी स्टेशन है यहाँ पर पूरी तरह के जितने भी कर्मचारियां हैं ये सब आपकी महिलाएं हैं, है ना, और याद रखिएगा ये इसे पिंक स्टेशन का नाम या पिंक स्टेशन का दर्जा भी दिया गया है। 72 का ऑप्शन देना है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन, आपका स्टार वाला क्वेश्चन है, नोट करिए। ऑप्शन डी हो जाएगा न्यू अमरावती। क्या हो जाएगा? न्यू अमरावती, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों इनके पदों पर मतलब यहाँ पर देखा जाए तो चाहे मैनेजर हो, चाहे टिकट चेकर हो, सफाई कर्मचारी हो या कोई भी आपका पोस्ट हो, सभी में सिर्फ महिलाएं ही आपकी हैं, इसलिए इसे पिंक स्टेशन का दर्जा भी दिया गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है। तो भैया यहाँ पर जो केरल विधानसभा है ना वो कहती है कि भैया यहाँ पर राज्य का नाम बदलकर क्या करना है। तो भैया इन्होंने यहाँ पर याद रखिएगा आग्रह किया है कि हमारे केरल का नाम क्या कर दें, केरलम कर दें। क्या कर दें? केरलम। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों 73 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन केरलम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहां के मुख्यमंत्री कौन है बता सकते हैं क्या? केरल के मुख्यमंत्री कौन है कमेंट कर सकते हैं क्या, जल्दी से बताइएगा केरल के मुख्यमंत्री है कौन। ऐसे ही आपको याद होगा जब डेली पूछते जाते हैं, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है ना, उन्होंने पेश किया है। तो यहाँ पर जो आठवीं अनुसूची है क्या, आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे कि चीन के चेगदू में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है। दोस्तों 74 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा 26 पदक जीते हैं, जिनमें से आपके 11 स्वर्ण पदक हैं, 5 रजत हैं और 10 आपके कांस्य, दोस्तों याद रखना है, ठीक है। ये कैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, एशियाई गेम मत लगा देना कि एशियाई गेम में तो भैया बहुत ज्यादा जीते हैं, ये आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आपके हैं, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि भैया थोड़ी थोड़ी चीजों से गलती होती है। कह रहा है क्वेश्चन 75 में कि हाल ही में किस राज्य के चिकरी काष्ठकला और मुस्तक बुद्धजी चावल को GI टैग दिया गया है, और इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार पढ़ाया है, देख सकते हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, एक भी क्वेश्चन एक भी क्लास आपको गैप नहीं करना है, कोई भी क्लास गैप नहीं करना। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है लाइव का तो आप लाइव मत लीजिए, लेकिन ऑफलाइन जरूर देख लीजिएगा, है ना, लेकिन देखिए जरूर इस क्लास को क्योंकि इस क्लास से पूरे 10 नंबर आपको मिलना है, ठीक है ना, और 10 नंबर बहुत होते हैं सिलेक्शन में देखा जाए तो आधा नंबर जिसका रह जाता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है, इसलिए हम आपको ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं कि आपको तकलीफ ना हो। मैथ में होता है तो मैथ में तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, घूम फिरा के मिलेगा अगर सही लगा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको आता है तो आंसर मिलेगा नहीं तो कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 75 का जवाब, सबका जवाब आ गया है जम्मू कश्मीर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे कि किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गैंडा के पुनरुद्वार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। 76 का ऑप्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 76 की अगर बात कर लेते तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा ये रिजर्व एकलौता गैंडों को जल्द मिलेगा जीवन साथी, मतलब जो आपका अकेला है ना, ये अकेला है गैंडा, इसको जीवन साथी जल्दी आपको मिलने के उम्मीद मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 77 में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू किया है। चलिए दोस्तों बताना है अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू किया है, ये कितने रेलवे स्टेशन आपका है। दोस्तों यहाँ पर उनका पुनर्विकास करना है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, यहाँ के 508। क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर 508 जो आपके हैं, इनके विकास के लिए, पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम, क्या है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, याद रखिए 500 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। 78 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 78 में, आप कहेंगे सर 78 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, इनका नाम है अदिति स्वामी। अदिति स्वामी मात्र 17 साल की हैं, कितनी है? मात्र 17 साल की, सबसे कम उम्र की हैं, भारत की पहली, यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर व्यक्तिगत पदक जीता इन्होंने, है ना, जो कि तीरंदाजी में, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है। ये अपडेट आपको दोस्तों याद रख लेना है, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है 79 में, वो ऑप्शन क्या बनेगा, 79 का ऑप्शन क्या बन सकता है, तो भैया ये आपके कहां पर है, चलिए 79 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आपके बिहार में है। कहां पर है? तो आपके बिहार में है, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका एन नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की स्थापना या आधारशिला रखी है। चलिए दोस्तों बताना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो भैया ये आपका है कहां पर 80 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 80 का ऑप्शन की बात करते हैं तो सी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में आपका है, पुरातात्विक स्थल आपका है और आप समझेगा यहां पर आपका सी नंबर आदि, क्या नाम है उसका, इसका नाम है आदि आदि चलन लुर, यहां पर ये पूरा नाम आपका है, ठीक है ना, ऐसे पूरा नाम है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत ने किस देश को आधार जैसी योजना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट के लिए वित्तीय मदद किया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं भारत ने किस देश को आधार जैसी योजना है ना, क्या है, यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, यहां पर देख सकते हैं उनकी मदद यहां पर की है, वित्तीय मदद दिया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 81 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर कौन सा 81 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर है, याद रखिएगा श्रीलंका हो जाएगा, है ना, श्रीलंका को उसकी यूनिक डिजिटल पहचान योजना के वित्त पोषण के लिए एडवांस में देखा जाए तो 450 मिलियन रुपए यहां पर दिया है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे 5 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन बुनियादी ढांचे और फार्मा और चिकित्सीय क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश के नुए लियोन राज्य के साथ एक समझौता किया है। दोस्तों 82 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 82 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, ये आपका मेक्सिको है। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो राज्य में पर्यटन बुनियादी ढांचे फार्मा चिकित्सा क्षेत्र इनके निवेश के लिए इस देश के साथ क्या किया, एक समझौता किया है, मेक्सिको के साथ किया है, ये आपका है दोस्तों देश का आंसर आपका हो जाएगा मेक्सिको राज्य का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन को लॉक करना है, आपका जवाब हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 83 नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो सुनते जाइएगा, जिनको आता है वो प्रयास जरूर करेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका मेक्सिको, क्या हो जाएगा कि भैया याद रखिएगा कि भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, मेक्सिको को हराकर जीता है विश्व तीरंदाजी चैंपियन 2023 में, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे ये हाल ही में किस देश से टैंकों का काल कहे जाने वाले स्पाइक ओएलओएस एनएलओएस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी हैं। भैया देखा जाए ये जो आपका टैंक है इसे काल कहा जाता है, काल है ना, तो भैया यहां पर जो खरीदा है वो किस देश से खरीदा है, 84 नंबर में, तो 84 का ऑप्शन क्या बनेगा, 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके इजराइल से खरीदा है। देखिए जवाब यहां पर काफी लोगों के आ रहे हैं, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इजराइल से खरीदे हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर एफआईडीए रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी इनमें से कौन बन गए हैं। भैया देखा जाए विश्वनाथ आनंद हमेशा सुर्खियों में रहते थे, हमेशा पदक जीतते थे, याद रखिएगा कि विश्वनाथ आनंद को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और भैया भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 85 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका बी नंबर, इनका नाम है डी गुकेश, क्या नाम है, डी गुकेश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के रूप में इनकी गिनती आपकी होती है, ये आपके 9 नंबर के आपके हैं, वहीं पर दोस्तों जो आपके विश्वनाथ आनंद है वो आपके 10वें नंबर पे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। बताइएगा कि किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। 86 का ऑप्शन देना है, आप कहेंगे जलेसर जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश का एक धातु शिल्प जो कि सजावटी धातु शिल्प के लिए जाना भी जाता है, पीतल के पात्रों के लिए भी जाना जाता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को अपने PSLV-C56 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 7 सैटेलाइट थे, किस देश के थे, दोस्तों ये थे आपके क्या, सिंगापुर के थे, ठीक है। 87 का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर, ये सिंगापुर के 7 सैटेलाइट थे जो कि आपके PSLV-C56 रॉकेट से लॉन्च किया है, आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है, ठीक है ना, हरिकोटा से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने हाल ही में एक मैग्रो सेल की स्थापना की घोषणा किया है। मैग्रो सेल की स्थापना की घोषणा की 88 नंबर में, चलिए जवाब दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य ने एक मैग्रो सेल की स्थापना की घोषणा की है। 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, जो कि भारत में लगभग 40% मैग्रो वनों का घर है, और हाल ही में राज्य में एक मैग्रो सेल की स्थापना की घोषणा भी किया है, ऑप्शन सी जिसका रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए साथियों 89 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया, 89 का ऑप्शन दीजिएगा। आप कहेंगे सर 89 की अगर बात करते हैं तो यह किया गया है गुजरात के गांधीनगर में, कहां पर, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है, 28 जुलाई 2023 को किया गया था, आप समझेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किस राज्य में नए विधान भवन का उद्घाटन किया है।
चलिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और आपको जवाब देना है कि भैया आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है। देखो दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधान भवन का उद्घाटन किया है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है 90 को ऑप्शन देना है। 90 की अगर बात करते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 को ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका डी नंबर असम, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि भैया असम के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, बता सकते हैं क्या कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके कौन है, आप कहेंगे सर वहां के मुख्यमंत्री हैं आपके हिमंत विश्व शर्मा ने, है ना, यहाँ पर हिमंत विश्व शर्मा आपका जवाब राइट हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे कि महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, बताना है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे सम्मानित किया है। 91 को ऑप्शन देना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, 91 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर बी आर रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है, रतन टाटा को दिया गया है। और याद रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कौन दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे कि हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष पद पर किसने संभाला है। 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किस देश ने संभाला है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा 92 में, क्या 92 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये भैया भारत ने संभाला है, ठीक है, भारत को इसकी अध्यक्षता यहाँ पर मिली है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपके हैं कौन है, तो आपके रुचिरा कंबोज है, कौन है, रुचिरा कंबोज यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। चलिए भारत के 83वें नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर आपके हैं वो आपके कौन है, 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आदित्य एस सामंत हैं, कौन है, आदित्य एस सामंत हैं, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 17 वर्षीय। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि हाल ही में फागनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला संसद बनी है। आईएमपी है इसलिए क्योंकि भैया देखा जाए राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली ये भैया पहली महिला आपकी संसद बनी है, ये किस राज्य की है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए 94 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका नागालैंड, क्या हो जाएगा, नागालैंड से पहली महिला सदस्य हैं जो कि इनका नाम है श्रीमती फांगनोन केन्याक, है ना, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार मध्य मुंबई में स्थित भारत के 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। ये भैया 169 साल पुराना है और यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, ये स्टेशन का नाम बताना है जो कि मध्य मुंबई में है। 95 के ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका नाम है भाखेला, क्या नाम है, भाखेला, नाम है भाखेला, ये रेलवे स्टेशन आपका मुंबई में है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आपसे कि हाल ही में किस रेलवे सुरक्षा बल रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। देखिए कितना आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में आपके कौन है, 96 का ऑप्शन देना है, तो 96 का ऑप्शन बनेगा आपका मनोज यादव, कौन है, मनोज यादव, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 97 में कि भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न किया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका नाम क्या है, 97 का ऑप्शन दीजिएगा सी नंबर, इसका नाम है नोमाडिक एलिफेंट 2023, क्या नाम है, नोमाडिक एलिफेंट 2023, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में कहां दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण पूरा हुआ है। 98 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है इसका निर्माण हुआ है, चलिए बताइएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहां पर हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है, यहां पर बताइएगा अहमदाबाद या आपका मुंबई या आपका नई दिल्ली या आपका सूरत। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, कुछ लोग जो यहां पर होंगे वो भी गलती कर देंगे, है ना, इतनी बार पढ़े लेकिन आज फिर भी देखना अभी गलती आएंगी इसमें से, जितने भी लोग पढ़े इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो गलती करेंगे 100%। चलिए सूरत करेंगे, चलिए सूरत की कर देते हैं, यहाँ पर नई दिल्ली नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नई दिल्ली नहीं है भैया, याद रखिएगा सूरत इसका आंसर आपका डी बनेगा। अहमदाबाद भी मत लगा देना कि आप लोग अहमदाबाद लगा दें, सूरत में, गुजरात के सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बनी है ना। और दोस्तों देखा जाए तो बहुत एरिया में आपका है ये सूरत, डायमंड वुड्स की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे कि विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि भैया 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जितने भी आपके विपक्षी हैं आपके बीजेपी को धराशायी करने के लिए इन्होंने गठबंधन पहले से ही पार्टी बना दिया है, तो भैया देखा जाए तो 26 पार्टियां एक साथ आई हैं, कितनी 26। अब इसमें से देखा जाए इसका नामकरण इन्होंने क्या किया है,
यहां पर देखा जाए 99 की अगर बात करते हैं तो आपसे बनेगा यहां पर आपका ए नंबर इंडिया हो जाएगा, INDIA इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए मोदी सरकार ने कहा हम इंडिया का नाम है बदल देंगे, इंडिया का नाम बदल के क्या बोल दिए उन्होंने, कहा हम अपने इंडिया का नाम भारत कर देंगे, है ना। याद रखिएगा आंसर ये हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों 100 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, बी नंबर सिंगापुर, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंगापुर को पीछे छोड़कर यहाँ पर देखा जाए मतलब जापान को पीछे छोड़कर पहला स्थान आपके सिंगापुर का हो गया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध आपके चुने गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है भैया कि यहाँ पर जो आपके विदेश मंत्री हैं कौन है, एस जयशंकर हैं और ये किस मतलब कह सकते हैं किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध आपके चुन लिए गए हैं। दोस्तों इनका ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर, ये आपके गुजरात से चुने गए हैं, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष राज्य पर है। 102 को ऑप्शन देना है, 102 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए जवाब देना है यहाँ पर, जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा कि भैया जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, तमिलनाडु ने महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़ दिया है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, आपके तमिलनाडु का आंसर बन जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमने बताया था कि जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच है उनको हरा दिया है, तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, सी नंबर ये है कार्लोस अल्कराज है जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने भैया आपके किसको हरा दिया है, तो याद रखिए नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के इनको हराया है। लेकिन अभी देखिए अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है कि यहां पर नोवाक जोकोविच ने यहां पर यूएस ओपन को जीत लिया है ना, तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा भारतीय निजी बैंक दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पर आपका पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन देना है और आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, दोस्तों यह बैंक आपका है दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पर आता है। दोस्तों 104 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ये है आपका HDFC है ना, देखा जाए $151 बिलियन से अधिक के बाजार मूल्य के साथ HDFC बैंक अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऋणदाता बन चुका है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था। तो दोस्तों 2023 में जो आपका एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 हुए थे उसमें शुभंकर पूछा गया है और इसका शुभंकर का नाम था दोस्तों याद रखिए हनुमान, क्या हो जाएगा हनुमान को बनाया गया है दोस्तों, आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, हनुमान हो जाएगा। ये जो अभी हुए थे आपके कहां पर, थाईलैंड में हुए थे, ठीक है, हुआंगजू वाले नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं अर्थात जो रुपया है और आपका दिरहम है के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। IMP क्वेश्चन दिया गया है, याद रखिएगा बिल्कुल IMP क्वेश्चन है, नोट करेंगे यहां पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आप समझेगा यहां पर भी हो जाएगा आपके UAE के साथ अर्थात भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये समझौता हुआ है कि भैया जो आपका लेन देन होगा भारतीय रुपया है ना और जो आपका कह सकते हैं दिरहम है ना, तो उसके लिए आपका समझौता हुआ है, तो आप समझेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विदेश में IIT दिल्ली का पहला परिसर कहां स्थापित किया गया है। विदेश में IIT दिल्ली का पहला परिसर कहां पर स्थापित किया जाएगा या किया गया है। दोस्तों आपसे बनेगा ए नंबर आपके आबू धाबी में, कहां पर है आबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित किया गया है। दोस्तों आपसे बनेगा यहां पर ए नंबर है, जवाब आपका बन जाएगा, वेरी MP क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है। तो दोस्तों यहाँ पर 108 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपसे बनेगा बी नंबर याद रखिएगा ONGC बना है रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU तेल और प्राकृतिक गैस निगम। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्णय के लिए हाल ही में एक समझौता किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं और इसके निर्माण के लिए एक समझौता किया है। 109 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में से क्या होगा जल्दी से बताएं, फ्रांस के साथ किया है। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आप समझेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा कि भैया भारतीय नौसेना जो कि देखा जाए स्कॉर्पियन पनडुब्बी है इनके निर्माण के लिए एक समझौता किया है फ्रांस, इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि किस राज्य ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा अभियान शुरू किया है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए गजा
कोठा अभियान शुरू किया है, जिसमें से देखा जाए 1200 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है 110 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि फ्रांस के बैस्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। फ्रांस के बैस्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया आपका आंसर बनेगा सी नंबर, ये है आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये 14 जुलाई को फ्रांस के बैस्टिल दिवस समारोह में आपके अतिथि थे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं उम्मीद है कि सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे इस आंसर में से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर 112 का ऑप्शन कमेंट करें सभी लोग। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा आपके 14 जुलाई 2023 जिसको ऑप्शन आ रहा है ना। याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। ये जो पुरस्कार आपका है फ्रांस का है दोस्तों, याद रखिएगा ये पुरस्कार जो आपका है फ्रांस का है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। ऑनर दिया है ना, ऑनर लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर 113 नंबर में फिर से पढ़ेंगे, किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। चलिए यहां पर जो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ग्रीस के दौरे पर गए थे, ग्रीस होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन ग्रीस तो ऑप्शन है ही नहीं है। ग्रीस जो आपका है ठीक है, फ्रांस है, यहां पर आंसर जो आपका फ्रांस आया बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रांस आपका आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। ये 14 जुलाई 2023 को जब आपके गए थे ना, तो यहां पर आंसर आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में HAL ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में HAL ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नया कार्यालय खोला है और कहां पर खोला है, ऑप्शन क्या बनेगा भाई। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये है आपका कोलारामपुर, जो कि आपके मलेशिया में है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए 115 नंबर में, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, इनका नाम है वृंदा ग्रोवर। क्या नाम है? वृंदा ग्रोवर है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम से 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है। ये 7वां आपका युद्ध अभ्यास है भारतीय नौसेना का, जिसका जो कि जापान और भारत के बीच है समुद्री अभ्यास, इसका नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर 116 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा जिमैक्स, क्या हो जाएगा, जिमैक्स 2023, ये जो आपका हुआ है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ये 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है। दोस्तों 117 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, आईपीएल की सबसे मूल्यवान, सभी लोग कर देंगे, थोड़ी देर बात करेंगे ना, कुछ लोग कहते हैं क्लास के बाद में करेंगे। कह रहा हाल ही में आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी आपकी कौन बनी है। भैया 117 की अगर बात कर लेते हैं तो सबका जवाब आ गया है चेन्नई सुपर किंग, जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का विजेता इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा आप आंसर में से क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का विजेता कौन है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा, इनका नाम है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन इस साल का या बड़ा पहला और उनके कैरियर का दूसरा आपका वर्ल्ड टूर टाइटल है ना, तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन है। यहाँ पर रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बन रहा है दोस्तों, देख सकते हैं इनका नाम है सिल्वा प्रभु, है ना, क्या नाम है भैया, भारतीय त्रिकूद एथलीट हैं सिल्वा प्रभु थिरुमारन, एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट आपके बन गए हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर सिल्वा हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया है। ऑपरेशन बॉर्डर स्वर्ड पर चलाया है दोस्तों, यहाँ पर बताना है किस देश ने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत ने तो शुरू किया है, साथ में और कौन है। तो भैया यहाँ पर दिखा जाए 120 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भैया कौन सा है जल्दी से बताइएगा,
चलिए तो यहां पर ऑप्शन लगा दीजिए आपका सी नंबर अमेरिका, यहां पर आंसर आपका 120 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी अभी हाल ही की अगर अपडेट बताएं है ना, ये तो आपका काफी हो गया, लगभग जुलाई की बात हो रही है, लेकिन अभी हाल ही अपडेट 5 सितंबर लगभग ऐसा है, जापान जो आपका नेपाल था, नेपाल है ना पड़ोसी देशों में, उसकी तस्करी रोकने के लिए यहां पर किया गया था, कई मुद्दे आपके किए गए हैं, इसको ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार क्या दिया गया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। 121 को ऑप्शन देना है दोस्तों, याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। 121 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, 121 का ऑप्शन बी बनेगा, ये है के राजा रमन, ठीक है, कौन है, के राजा रमन है, ऑप्शन बी नंबर है इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा, तो भैया ये है गारंटी बजट और ये शुरू किया है आपके, पेश किया है कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, कर्नाटक सरकार इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, अच्छा कर्नाटक के सीएम कौन है, बता सकते हैं क्या, कितने लोग यहां पर जवाब दे सकते हैं, कर्नाटक के जो सीएम है वो आपके हैं कौन, बता सकते हैं कोई, तो जवाब दे दीजिए, सिद्धरमैया, ठीक है सिद्धरमैया हो जाएंगे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है। तो भैया चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है, 123 को ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा पनामा के साथ, किसके साथ, पनामा के निर्वाचन प्राधिकरण अर्थात अधिकरण से एक समझौता हुआ है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। और ऐसा समझौता करने वाला ये चौथा देश आपका बन चुका है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला IIT कैंपस कहां पर स्थापित करने की घोषणा किया है। इसको तो हमने बहुत बार पढ़ाया है ना, ये भारत के बाहर पहला IIT परिसर है, और ये भैया देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, तंजानिया जो कि आपका है जंजीबार में, यहाँ पर आंसर आपका भी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, देखिए सबके जवाब आए हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा कि हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लीन लॉन्च किया है। तो भैया याद देख सकते हैं ये देश आपका है जिसने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लीन यहाँ पर लॉन्च किया है। दोस्तों इसका आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, याद रखिएगा चीन ने शुरू किया है, चीन देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लीन लॉन्च किया है ना, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा है और भैया ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है थ्रेड्स, क्या नाम है, इसका नाम है थ्रेड्स नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा के जो आपके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड्स ऐप को लॉन्च कर दिया है, ये टक्कर देगा ट्विटर को। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश आपके कौन है, बताइएगा भाई दुनिया का सबसे शांति देश कौन सा है। तो दुनिया का सबसे शांति देश है आपका आइसलैंड। दोस्तों आपसे बनेगा यहाँ पर आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे भैया कि भारत का स्थान क्या है, तो आप क्या सभी लोग जवाब दे सकते हैं, क्या सभी लोग जवाब दे सकते हैं कि भारत में जो आपका नंबर है, भारत का नंबर है वो कितना है, हमें सबसे चाहिए, सबसे उम्मीद है कि सब लोग जवाब दे सकते हैं। 126, वेरी गुड, बहुत अच्छे 126, बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल सही है, 126 हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, भैया इनका नाम क्या है, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमरेश्वर प्रताप शाही, है ना, क्या, अमरेश्वर प्रताप शाही, या इन्हें बोलते हैं न्यायमूर्ति एमपी शाही, है ना, एपी शाही, न्यायमूर्ति एपी शाही या एपी मतलब हो गया अमरेश्वर प्रताप सिंह, इसका आंसर अमरेश्वर प्रताप शाही हो जाएगा, ठीक है। इन्हें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियन 2023 का खिताब जीता है। दोस्तों बताना है कि भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियंस 2023 का खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने हराया है कुवैत को, किसको, तो आपके कुवैत को पेनल्टी शॉट में, है ना, पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हरा दिया है और इसमें से खिताब अपने नाम कर लिया है, सवे नंबर पे आपका पहुंच चुका है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपसे कि BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है। 130 की अगर बात करते हैं तो यह इनका नाम क्या है, तो ये भैया 45 साल के हैं अजीत आगरकर, है ना, याद रखिए इसका जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए भारतीय टीम के पूर्व स्टार गेंदबाज हैं अजीत आगरकर जो हैं, ये गेंदबाज हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा किया है।
में 131 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 131 की अगर बात करें तो आंसर क्या बन सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार यहाँ पर देखा जाए राज्य में जो भी यहाँ पे पद्म पुरस्कार प्राप्त करेंगे उन विभूतियों को यहाँ पर हरियाणा का गौरव सम्मान योजना 2023 के तहत यहाँ पर 10,000 रुपए मासिक यहाँ पर वेतन इनको दिया जाएगा, मासिक दिया जाएगा दोस्तों, याद रखना है ना। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक इनमें से कौन है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए आंसर क्या हो जाएगा 132 में, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। क्या, बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। देखा जाए कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से बैंक ऑफ इंडिया जो कि आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला ये पहला बैंक आपका बन चुका है, ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का नवा पूर्ण सदस्य देश इनमें से कौन बना है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, याद रखिएगा हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का नवा पूर्ण सदस्य देश कौन है दोस्तों। 133 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, तो 133 का ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, ये है आपका ईरान। क्या हो जाएगा, ईरान दोस्तों, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में से किसे ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है, चलिए हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में से किसे ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया है दोस्तों, ये है आपकी मैरी कॉम, याद रखिए 134 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर से नंबर मैरी कॉम, जो कि देख सकते हैं ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं आपकी मैरी कॉम दोस्तों, याद रखिए इन्हें दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंस्टर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड में से ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर शुरू किया गया है, देखिए 135 को ऑप्शन यहाँ पर देखिए आ गया है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपके चेन्नई में है, कहां पर है, चेन्नई में शुरू किया गया भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, तो इसका जो ऑप्शन आ गया है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, और देखिए सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, ये जो पुरस्कार है आपका कहां का है, चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे, चलिए 136 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए ऑर्डर ऑफ द नाइल जो पुरस्कार है ये मिस्र का है दोस्तों, मिस्र का है, और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं महामहिम श्री अब्दुल फतेह है ना अल सिसी, ये जो आपके हैं ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन है, 137 को ऑप्शन देना है और आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड जो आपका है इनमें से क्या है, तो ये जो आपका है ऑप्शन बी टाटा पावर, कौन है टाटा पावर, नोट करिएगा ऑप्शन आपको बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, टाटा पावर इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों, याद रखना है ठीक है ना। और यहाँ पर इसके बाद जो आती है वो आपकी अमेजन आती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि हाल ही में भारत व अमेरिकी नौसेना के बीच क्या हुआ है, एक युद्ध अभ्यास हुआ है, कोच्ची में हुआ है, और इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है भाई, इस युद्धाभ्यास का जो नाम है इनमें से है क्या, 138 नंबर में, 138 को ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका नाम है सर्वेक्स युद्ध 2023 ठीक है ना, सर्वेक्स 2023 जिसको ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, सर्वेक्स हो जाएगा ठीक है ना। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आपके कोची में आयोजित किया गया है, इसमें भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने कोची में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास रहा है, 11 दिनों तक ये सैन्य अभ्यास यहाँ पर रहा था, जिसमें से बचाव और विस्फोट संबंधी यहाँ पर अभ्यास किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख आपके कौन बने हैं, आईएमपी क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बताएंगे रा के नए प्रमुख आपके कौन बने हैं। चलिए दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपके जवाब यहां पर देखिए आ रहा है 147 का जवाब बनेगा ए हो जाएगा, याद रखिए रवि सिन्हा, कौन है भाई, ये रवि सिन्हा है, रवि सिन्हा जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, रवि सिन्हा हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे कि हाल ही में किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त 12वां सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है, तो देखिए भारत और मालदीव के बीच जो आपका सैन्य अभ्यास है इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर 140 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इसका नाम है एक्स एक्वेरन 23, क्या नाम है एक्स एक्वेरन 23 इसका नाम है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि मालदीव में हुआ है भारत और मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संशोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने, चलिए क्वेश्चन जवाब देना है, अच्छा क्वेश्चन आपका है, बताइएगा कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता इनमें से कौन है। चलिए अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग तो आंख मूंद कर बता दोगे कि सर जी ये है आपके नरेंद्र मोदी जी, तो आप समझेगा यहाँ पर बी नंबर, इन्होंने पहला भाषण 2016 में दिया था ठीक है, पहला भाषण उन्होंने 2016 में भी दिया था है ना, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि 21 जून 2023 को नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहां पर 125,000 लोगों ने एक साथ योगा करके रिकॉर्ड बनाया है,
लगाइए इस क्वेश्चन में स्टार आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा कि भैया 21 जून को नवा अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है, 1,25,000 लोगों ने एक साथ योगा करके रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए 142 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पर सी हो जाएगा, यहां पर सूरत हो जाएगा, सूरत बताना है, सूरत ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों याद रखिएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहां पर दर्ज हो गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व कहां से किया था। दोस्तों 143 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूयॉर्क, क्या हो जाएगा न्यूयॉर्क, इसका आंसर राइट हो जाएगा कि जो आपके मोदी जी थे उन्होंने भाग लिया था कहां से, तो आपके न्यूयॉर्क से, जो कि 9 नंबर का अंतरराष्ट्रीय आपका था, ठीक है ना, और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है। दोस्तों ये बताना है कि हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है, इनका नाम क्या है भैया, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, 144 ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, इनका नाम है करण जौहर, क्या हो जाएगा करण जौहर, जो कि देखा जाए बॉलीवुड के सबसे चर्चित और निर्माता निर्देशक भी आपके हैं, है ना, प्रोड्यूसर के यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन बनेगा पहला नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए साथी वहां पर जवाब देना है, 145 नंबर आपसे कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन 1 से 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी जो आपके एग्जाम हुए हैं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 स्टार लगा दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका है, यहां पर जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा सी नंबर, ये मिला है गीता प्रेस, जो आपका गोरखपुर है, गीता प्रेस गोरखपुर का चयन किया गया था, ये किया गया था 18 जून 2023 को, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है। और हमने कहा था ये बहुत ही सफल जोड़ी है, हमेशा आपको देखने को मिलता है, ये भैया आपके कौन है, तो कहेंगे भैया यहाँ पर जो आपके सात्विक चिराग है ना, याद रखिएगा सात्विक और चिराग की जोड़ी है, ये भैया सफल जोड़ी आपकी है, जो कि इंडोनेशिया में यहाँ पर युगल आपके हुए थे, तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्बेट INS कृपाण उपहार में दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भैया स्वदेश में निर्मित की गई है ना, इसका नाम है इन सर्विस मिसाइल कॉर्बेट, भैया INS कृपाण जो उपहार में दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो भैया याद रखिएगा ये दिया गया आपके वियतनाम को, क्या वियतनाम को उपहार में दिया गया INS कृपाण, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और ये भारत में स्वयं निर्मित हुई अर्थात स्वदेश से निर्मित की गई, यहां खुद बनाई गई है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियंस 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है। हर एक क्वेश्चन आपका देखिए लाजवाब, हमने कहा भी है डेली क्लास लीजिएगा, डेली क्लास लेंगे तो आपको भैया हर एक क्लास आपको पढ़ने को मिलेगा, मजेदार मिलेगी, हर एक क्वेश्चन आपका लाजवाब है, क्योंकि भैया 10 नंबर की बात होती है, जब 10 नंबर की बात होती है तो आपको खाना पीना छोड़कर भी आपको क्लास लेना चाहिए, या अगर टाइम नहीं मिलता है तो आपको 24 घंटे में कभी मिल जाए क्लास टाइम, तो आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ गया 148 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका भवानी देवी है, कौन है भवानी देवी, जिसको ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ $55 अरब में से 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपके 320 विमान है इनका रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी है कौन सी, चलिए 49 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर इंडिगो है, कौन है इंडिगो, जो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, इंडिगो ने 500 विमानों का ऑर्डर देकर रचा है ये इतिहास, कितने 500 विमान आपके हैं, $55 अरब का ये सौदा हुआ है, जो कि भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने एयरबस से 500 विमान खरीदने का एक करार यहाँ पर किया है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत किस देश से 30 प्रीडेंटर ड्रोन खरीद के लिए एक समझौता किया है। दोस्तों बताना है कि आपका हाल ही में किस देश के देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीद के लिए एक समझौता हुआ है, और ये समझौता हुआ है किसके साथ है, तो भैया अमेरिका के साथ हुआ है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से $3 अरब में देखा जाए तो भैया 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदना है, कहीं कहीं पर आपको 31 मिलेगा, वैसे 31 भी आपका सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मोटे अनाज के जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय मूल के एक व्यक्ति जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला भी था, और इनके साथ इन्होंने मिलकर एक विशेष प्रकार से गीत भी गाया है। यहाँ पर जो आप आंसर है आपका आंसर क्या हो सकता है, दोस्तों आपका जो आंसर आ गया है लगभग सही है, ये आपके फाल्गुनी शाह, क्या हो जाएंगे फाल्गुनी शाह हो जाएंगे, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इनका जन्म आपका मुंबई में हुआ था और इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा चुका है।
लॉक करिए भैया क्वेश्चन को, जल्दी से बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से किसे दिया गया है और किसके लिए, सुंदर इमारतों के लिए। चलिए यहाँ पर जवाब देना है तो दोस्तों यहाँ पर स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन आ गया है तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, तेलंगाना आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। दोस्तों 153 की अगर बात करते हैं तो आप समझेगा डी नंबर आपके मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने और उन्हें प्रतिमाह भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है किसने, लगभग देखा जाए आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों आपका मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मध्य प्रदेश जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखा जाए युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह यहां पर देने के लिए यहां पर चयनित किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में किया है। स्टार लगाइए क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है तो बताना है कि दक्षिण एशिया में पहली अपनी सड़क सुरक्षा परियोजना है शुरुआत किस शहर में। तो दोस्तों ये शहर है आपका कौन सा, तो आप बनेगा यहाँ पर कौन सा सी नंबर है दोस्तों ढाका। क्या हो जाएगा कि विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वित्त पोषण समझौते यहाँ पर किया है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 156 का जवाब ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा आपका भारत। क्या हो जाएगा भारत, मतलब देखा जाए तो भैया जो आपका भारत है ये अनुरोध किया है कि भैया जितने भी आपके शहीद हैं शांति रक्षक के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में क्या एक स्मारक दीवार स्थापित की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर है, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा बी नंबर, भारत ने ऐसा अनुरोध किया है आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन ये भी दिया गया है, सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया है। बिल्कुल नोट लिख लीजिए, छपा हुआ मिलेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कौन है आपके शक्तिकांत दास, जिसको ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये इनका दुनिया का बेस्ट गवर्नर का खिताब मिला है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल गजब से है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर की बात कह रहा है, ठीक है ना, अपने उत्तर भारत में होता तो हम लोग वाराणसी में जाते, लेकिन यहाँ पर बोला है पूर्वोत्तर में, और जब पूर्वोत्तर की बात कह रहा है तो आप कहेंगे सर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। क्या हो जाएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर दिया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र से राष्ट्र विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर लिया है। दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा जल्दी से बताइएगा, तो कई मार दीजिए क्या दिक्कत है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका चीन है, क्या चीन की जो प्रगति है, निवेश है, आर्थिक स्थिति है, इसको देखते हुए अमेरिका की सीनेट ने चीन से उसके विकासशील देश का दर्जा हटा दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे कि राजस्थान में कहां सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है। तो भैया ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो कि आपके सीएनजी से चलेगी, और कौन सी है आपकी टॉय ट्रेन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 160 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर के ऑक्सीजन हब गुलाब बाग में। कहां पर है ऑक्सीजन हब जो कि गुलाब बाग है, वहां पर सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन यहाँ पर शुरू की गई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि पहला जनजाति खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए बताइएगा कि पहला जनजाति खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। और दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के मतलब उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता आपका शुरू किया गया है। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें देखा जाए जो आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड इसकी जो आपके विमेंस आपके हैं फुटबॉल उनके बीच खेले गए फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ की टीम ने झारखंड को यहाँ पर हराया भी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है। ये क्वेश्चन को देखकर हमें ऐसा नहीं लगता है कि किसी का गलत हो सकता है, क्योंकि हमने आपको इतने मॉडल पेपर में पढ़ाया है, इतने करंट अफेयर में पढ़ाया है कि सबका जवाब बिल्कुल सही आ सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब 100% यहां पर देंगे, चलिए 100% यहां पर जवाब सही है सबसे भैया।
योगी बाबा बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आपका आंसर जो आपका बी नंबर उत्तर प्रदेश आपका आंसर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मालूम है भैया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जो आपके दूध के मामले में सेकंड स्थान हो गया है, पहला हो गया राजस्थान, तो भैया योगी जी अब कदम तो उठाएंगे उठाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है गाय भी यहाँ पर योगी जी के पास बहुत है, तो भैया कहीं ना कहीं कहेंगे कि दूध के मामले में पहला स्थान यूपी ही होना चाहिए, ठीक है ना, तो प्रयास पूरा रहेगा। और आपसे अगला पूछा गया है क्या कह रहा है, कह रहा है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियंस 2023 का खिताब जीता है। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है, और भैया जितने लोग यहां पर हैं, क्या जितने लोग यहां पर क्रिकेट प्रेमी हैं वो लोग जवाब देंगे कि भैया ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा ए नंबर, भैया भारत को हराया है, ठीक है ना, भारत को 200 रनों से हराकर यहां पर ऐसा ऐतिहासिक जीत यहां पर दर्ज किया है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलियाई जो आपकी ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली पहली टीम आपकी बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। 164 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोस्तों याद रखिए हमने बताया भी था कि नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, दोस्तों याद रखिएगा कि इसके पहले आपका हुआ था विंबलडन पुरस्कार, क्या होता है विंबलडन जो आपका फ्रेंच हुआ था, विंबलडन जो आपका हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि नोवाक जोकोविच को यहां पर अल्कराज ने क्या किया हरा दिया था। तो भैया यहां पर देखा जाए जो चार प्रतियोगिता होती है, चार प्रतियोगिता में विंबलडन में ही केवल हारे हैं, नहीं तीनों प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच यहां पर जीते हैं, दोस्तों याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा बना है, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है, यहां पर दोस्तों आप आंसर क्या हो जाएगा 165 नंबर में, तो दोस्तों आप समझेगा बी नंबर है, याद रखिएगा यूएई, अर्थात जो भारत में चौथा सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है यूएई, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए की आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है। तो भैया ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है और इसकी शुरुआत जो किया है वो कौन सी सरकार ने किया है, और भैया इसका जवाब देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सी सरकार है। तो भैया ये सरकार कौन सी है, ऐसी सरकार सबको चाहिए, है ना भैया, ऐसी सरकार सबको चाहिए, तो कहेंगे हर महीना 1200 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, तो भैया ये है आपकी मध्य प्रदेश सरकार, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको बताना है कि भैया मध्य प्रदेश की जो सीएम है वाके हैं क्या, हम आपको डेली की क्लास में आपसे पूछते हैं ताकि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल से रट जाएं। चलिए बताइएगा कि मुख्यमंत्री जो आपके हैं वाके हैं कौन, शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल सही है शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 130 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है। तो दोस्तों ये किया है आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सिंचाई सुविधा में सुधार करने के लिए, बागवानी कृषि व्यवसाय के बढ़ावा के लिए यहाँ पर समझौता किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर क्या बनेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा नोट कर लीजिएगा इसका जो आंसर बनेगा बी हो जाएगा भारत, क्या हो जाएगा भारत इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए भैया आगे बढ़े, ये प्रतियोगिता कहां पर होगी, ये आपकी कश्मीर में होगी, कहां पर होगी, तो आपकी कश्मीर में ये प्रतियोगिता आपकी की जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि IQR मतलब IQAir 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है 169 में ऑप्शन क्या बन सकता है, दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिएगा कोलंबो है, सॉरी लाहौर है, लाहौर ठीक है, लाहौर बिल्कुल सही है, लाहौर जिसको ऑप्शन आ रहा है लाहौर बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपका लाहौर, ठीक है तो ऑप्शन हो जाएगा लाहौर वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने पांचवीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है। दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए IIT मद्रास जो आपका है ऑप्शन क्या हो जाएगा, IIT मद्रास जो आपका है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रैंकिंग, इनमें सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा यहाँ पर मिला है, और इसके बाद देखा जाए तो आपका बेंगलुरु है और उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, तो फर्स्ट नंबर में आपका है मद्रास, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है यहाँ पर दिल्ली। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए नोट करिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है तेलंगाना, याद रखिएगा कि भैया समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में शीर्ष रैंक वाले राज्य में ये आपका उभर के आया है आपका तेलंगाना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर तेलंगाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहां पर स्थापित करने की घोषणा किया है।
दोस्तों यहाँ देखिए टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री है और इसको स्थापित करने की घोषणा किया है। और ये कहाँ पर है देखिए ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर 72 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है याद रखिए टाटा ग्रुप ने गुजरात में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया है तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर जिसका आ रहा है भी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया है। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार जो है ये कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है ये जो पुरस्कार है ये कहाँ का पुरस्कार है जवाब देना है। तो दोस्तों ये पुरस्कार है आपका सूरीनाम का है कहाँ का है सूरीनाम का है इसका जवाब समझेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में एक बैंक है जिसने अपने एटीएम पर यूपीआई का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू किया है तो भैया ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर जवाब देना है। जवाब की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने देश भर में अपने सभी करीब देखा जाए 6000 एटीएम पर यूपीआई एटीएम की सुविधा शुरू किया है ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है किस राज्य ने भिवंडी को क्या दिया है किस राज्य ने भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव विकसित करने की घोषणा किया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा कि भैया भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा किया है यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा इनमें से क्या हो जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ए नंबर महाराष्ट्र। ये भैया भिवंडी जो महाराष्ट्र में है ये पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है आप समझ आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है भारत ने किसे हराकर हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारत ने किसे हराकर हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर जी पाकिस्तान किसे तो भाई पाकिस्तान को पेनल्टी शूट में 2-0 से हरा दिया है और आपका जो आंसर है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है ये जो डेनिस आपके हैं डेनिस फ्रांसिस ये संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के नया अध्यक्ष चुना गया है ये पूछा है कहाँ के हैं तो भैया ये आपके हैं कहाँ के जल्दी से बताइएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा हंगरी है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है त्रिनिदाद टोबैगो त्रिनिदाद टोबैगो के एक देखा जाए 78वें आपके हैं मतलब 78वें नंबर के अध्यक्ष चुना गया है इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर त्रिनिदाद टोबैगो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रख दिया है। चलिए बताइएगा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रख दिया है। वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था ठीक है जिन लोगों ने वीडियो एग्जाम दिया होगा 2023 में उन लोगों को याद होगा कि ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था है ना और सबका देखिए जवाब भी यहाँ पर आ रहा है और लगभग लगभग सबका जवाब है। ठीक है चलिए एक बार वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए भाई आज आप लोग तो भूल ही गए हैं ऐसे बन गए हैं जैसे कि एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ना सब लोग भैया वीडियो को तो लाइक कर दिया करिए या आपको समझ में नहीं आता है जो हम पढ़ाते हैं या आपको भैया अगर अच्छा ना लगता हो क्लास तो भाई कहो तो भाई स्टॉप कर दिया जाए करंट अफेयर बंद कर दिया जाए जीके पढ़ाई जाए आपकी मॉडल पेपर पढ़ाया जाए भाई इतने लोग क्लास में हैं मानते हैं कि ठीक है करंट अफेयर आपकी कठिन होती है और करंट अफेयर आपको नहीं आती है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भैया इसमें हम मेहनत नहीं करते इस क्लास में उतनी मेहनत करते हैं जितना अदर क्लासों में इसमें तो और भी मेहनत हो जाती है चेक भी करना पड़ता है इसमें से। ठीक है तो भैया आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा ना तभी तो ये सरल सब्जेक्ट बन पाएगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक सरल सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो भैया जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग आते ही वीडियो को लाइक करेंगे और अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं चलिए यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है लगभग लगभग सबका सही आ गया है 78 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ही हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर जिसका नाम आया है याद रखिएगा अहिल्याबाई होलकर बिल्कुल सही जवाब इनमें से बन जाएगा अहिल्याबाई होलकर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि चेन्नई सुपर किंग ने क्या दिया गया है कह रहा है चेन्नई सुपर किंग ने किसे हराकर आईपीएल 2023 का खिताब 5वीं बार जीता है। अब 5वीं बार जीता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा गुजरात टाइटंस को हरा कर ये 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है ठीक है ना अब आपको ये कमेंट करना है कि भैया चेन्नई के जो आपके कप्तान थे वो आपके कौन थे। चलिए बताइएगा कि चेन्नई के जो कप्तान थे वो कौन कप्तान थे इसका ऑप्शन दीजिए जल्दी से बताइए भाई कि चेन्नई के जो कप्तान थे चेन्नई टीम के कप्तान जो थे वो आपके थे कौन चेन्नई टीम के धोनी थे। ठीक है धोनी थे अब आपको ये कमेंट करना है कि धोनी 2024 में ठीक है धोनी साहब 2024 में याद रखिएगा कि चेन्नई की तरफ से खेलेंगे कि नहीं संन्यास ले लेंगे। ठीक है ये कमेंट करिएगा कि धोनी को यहाँ पर 2024 में आईपीएल खेलना चाहिए या संन्यास लेना चाहिए कमेंट करना है। ठीक है ना क्योंकि अपनी तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से 2024 के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी हो गया और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर क्या दिया गया है कह रहा है ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए बताइएगा कि ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर आपके कौन हैं।
यहां पर आप कहेंगे सर ऑप्शन देखा जाए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा यहां पर दोस्तों क्या बनेगा जल्दी से बताइए, यहां पर ये हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा कौन है ए नंबर चमन, बिल्कुल सही है। यहां पर 180 का जो ऑप्शन आ गया है यहां पर ए नंबर हो जाएगा, ये आपके चमन लाल है चमन लाल, ये बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर आपके चुने गए हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मलेशिया मास्टर्ड सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने मलेशिया मास्टर सुपर 500 टूर्नामेंट 2023 में ये जीता है। दोस्तों यहां पर देखा जाए ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, इनका नाम है चिराग सेट्टी, क्या नाम है चिराग सेट्टी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीता है। चलिए बताइएगा कि भैया जो आपके अबू धाबी में आयोजित हुए थे 22वें नंबर के आईफा अवार्ड 2023 इनमें किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 182 नंबर में वो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपकी गंगूबाई कठियावाड़ी, ठीक है गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए यहाँ पर आलिया भट्ट है ना, जो आलिया भट्ट थी उनको भी दिया गया था, तो सबसे ज्यादा अवार्ड जीता है आपके गंगूबाई कठियावाड़ी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, जो कि देखिए आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब है, स्टार वाला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया है। 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है यहाँ पर जवाब देना है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। देखिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं काफी लोगों के, और इसका ऑप्शन हो जाएगा दामोदर मौजो, माना कौन है दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। और भैया ये जो आपके हैं दामोदर मौजो ये गोवा के उपन्यासकार कथाकार आलोचक और निबंधकार है, कहाँ के हैं तो आपके ये हैं गोवा के हैं दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है यूएई में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 की सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है। यहाँ पर 184 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा कि भैया जो आपका यूएई में आयोजित हुआ था COP28 इसमें सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो भैया ये हैं आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष, है ना, यहाँ पर मुकेश अंबानी, दोस्तों मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ये अध्यक्ष आपके हैं, तो आपसे बनेगा यहाँ पर डी जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन नंबर आपके 185, कह रहा आपसे यहाँ पर जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर एरावत को किस स्थान पर रखा गया है। तो ये जो आपका कंप्यूटर है एरावत, और एरावत का जो स्थान है आपका है क्या, यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 75वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है 75वें नंबर पर रखा गया है, ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा 75वें नंबर पर रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डेविड मालपास की जगह हाल ही में किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इनका नाम है अजय बंगा, जो कि बिल्कुल स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन पर, है ना, इस क्वेश्चन पर जितने स्टार लगा सकते हैं लगाइए, काफी आईएमपी क्वेश्चन है। और ये 14वें अध्यक्ष चुना गया है ना, इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, अजय बंगा आपका हो जाएगा। ये अगले 5 वर्षों तक इस पद पर आपके बने रहेंगे, और इन्होंने डेविड मालपास की यहाँ पर जगह लिया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों ये तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है और आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, ये आपके श्रीनगर में किया गया है, श्रीनगर जो कि आपके जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया है, जो कि बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर यहाँ पर मिलेगा, ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह है मध्य प्रदेश है, ठीक है मध्य प्रदेश है जो कि देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग जितने होंगे उनको तीर्थ यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी, तो आप समझेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्वाड लीडर समिति 2024 की मेजबानी किसे सौंप दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है, ये बताना है क्वाड लीडर्स जो समिति है उसमें 2024 की मेजबानी किसे सौंपा गया है, 2024 की जो मेजबानी है ये किसे सौंपा गया है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत को सौंपी गई है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। G20 वाली बात नहीं हो रही जो अभी अभी अपने भारत में G20 हुआ था, उसने दूसरे सौंपा, यहाँ पर क्वाड लीडर की है जो कि भारत को सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। तो भैया याद रखिएगा गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की स्थायी परिसर का आधारशिला रखा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, याद रखिए ओखा में, कहां पर है भैया, देवभूमि द्वारका के ओखा में है, कहां पर, द्वारका के ओखा में है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच है जो कि चौथा नौसैनिक अभ्यास है किस नाम से है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 91 में ऑप्शन क्या हो जाएगा,
चलिए देखिए आपका आंसर जो आपका आ रहा है, आपका जवाब डी हो जाएगा, समुद्र शक्ति 2023। समुद्र शक्ति 2023 ये 19 मई 2023 को दक्षिण चीन सागर में, कहां पर है, दक्षिण चीन सागर में संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहां पर एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है। दोस्तों एक सवाल में की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा एक जिला पड़ता है ना, ये जिला पड़ता है ऊना, क्या है, ऊना जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, तो ऊना जिला के गगरेट क्षेत्र में, जीतपुर बिहारी औद्योगिक क्षेत्र में ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश की कौमी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो आपको ये बताना है भैया ये किस देश की है रीता, जो आपकी कौमी रीता शेरपा है, ये आपके हैं कहां से। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 93 की अगर बात किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद है सबसे जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए जवाब आ चुका है यहाँ पर नेपाल, याद रखिए ये जो आपके हैं कौमी रीता, इनका जन्म हुआ था 1970 को, कब हुआ था 1970 को, ये नेपाली शेरपा गाइड है, जो कि देखा जाए यहाँ पर जो आंसर है आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया सबसे ज्यादा अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड भी आपका इनके नाम है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने हेतु नामित किया है। अब हर साल देखा जाए तो सही है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये 26 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, 26 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है। तो भैया विश्व सतत परिवहन दिवस क्या हो जाएगा, विश्व सतत परिवहन दिवस, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 95 दिया गया है कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। दोस्तों यहाँ पर जो चोरी से या स्मार्टफोन या कोई भी आपके अगर खो जाते हैं तो उनको ढूंढने के लिए है ना, यहाँ पर देखा जाए तो एक ऐप लॉन्च किया है, ये संचार साथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल जो कि ऑप्शन है यहाँ पर से नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है और सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे आप लोग यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसे कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 196 की अगर आप पढ़ते हैं क्या है, हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, संभल सिंह शिल्प को है, मैनपुरी तारकासी को है, महोबा गौरा पत्थर शिल्प है, मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अभी हाल ही में अमरोहा का जो ढोलक है उसको भी दिया गया है, महोबा का जो गौरा पत्थर वो भी आपको दिया गया है, हस्तशिल्प मैनपुरी तारकासी दिया गया है, संभल का हारना आपको दिया गया है, बागपा तो होम फर्निशिंग दिया गया, बारामंकी में हैंडलूम को भी दिया गया है, कालपी में जो आपका हैंड पेपर उसको भी दिया गया है ना, यहाँ पर जो आंसर आपका डी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 197 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर नंबर मेरी लाइफ, क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ या माई लाइफ, ठीक है, मेरी लाइफ या माई लाइफ की शुरुआत किया है, ताकि जो आपके जलवायु परिवर्तन से युवाओं की भागीदारी में प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण में अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर जो आपका है ये कौन है, ऑप्शन सी यहाँ पर भोपाल हो जाएगा, भोपाल है ना, भोपाल आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है, सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, ये प्रवीण सूद है, कौन है, प्रवीण सूद आपके हैं। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, और 2 साल की नियुक्ति हुई है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नाम किस देश के द्वारा किया। दोस्तों की अगर बात कर ले तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर जवाब देना है, और दोस्तों को ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, यमन ने दिया है, किसने दिया है, यमन ने दिया है, जिसका उच्चारण होता है मोखा, मोखा के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए बताना है कि किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है, याद रखिए हिमाचल प्रदेश के, अगर हम आपसे पूछे भैया मुख्यमंत्री कौन है, क्या जवाब देंगे, हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम बताइएगा, आपको याद है कि नहीं याद है, हमने आपको बताया भी था, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह आपके हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिवार परियोजना आरंभ करेगी, मतलब देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि 13वीं सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियंस 2023 का खिताब किसने जीता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, वो भी कैसे, सब जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन 2023 का खिताब।
दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर देखिए ए नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन आपका जो आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा ने जीता है हॉकी सब जूनियर महिला चैंपियंस 2023 का खिताब। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दिया है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर देखा जाए कौन से ऐसी अभिनेत्री हैं जिनको टाइम मैगजीन ने, ठीक है, टाइम मैगजीन जो आपकी पत्रिका है उसमें अपनी कवर पेज पर जगह दिया है, ये आपके हैं कौन, यहाँ पर जवाब देना है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, दीपिका पादुकोण, क्या हो जाएगा, दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में कहां सी हैरियर लड़ाकू विमान म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कहां पर कहां सी हैरियर लड़ाकू विमान म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, विशाखापत्तनम, कहाँ पर है, तो आपका विशाखापत्तनम यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके कौन है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जगमोहन रेड्डी, ठीक है, जगमोहन रेड्डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे कि हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों आपको जवाब देना है, बिल्कुल देख सकते हैं आईएमपी वाले क्वेश्चन आपके स्टार वाले क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा कि भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आप समझेगा डी नंबर ये है आपके योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर आता है। दोस्तों छह की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा बता सकते हैं क्या, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 21 वर्ष के हैं एसएसवी जयसवाल जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए एक मैच में 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जो कि आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है एसएसवी जयसवाल, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहां पर दिया है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दान देने की घोषणा किया है। तो भैया यहां पर देख सकते हैं यूक्रेन को भैया विनाशकारी क्रूज मिसाइल देंगे, इसका नाम है स्टॉर्म शैडो, और देखा जाए तो भैया कौन सा देश है यहां पर देखिएगा ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जो आप समझेगा वो आपका बी हो जाएगा ब्रिटेन, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन की सरकार ने यह ऐलान किया है कि भैया यहाँ पर यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली यहाँ पर स्टार में साइड हो यहाँ पर दान में देंगे। यहाँ पर भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हमने बताया जो हमारी सीरीज आपकी है बिल्कुल सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन है, अब इससे भी कम आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको जितने भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिलेक्टेड है पूरे एक साल मतलब देखा जाए तो आपके दिसंबर से लेके आपको पूरे अभी तक पढ़ा जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, 208 का ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो भैया इनका नाम है लियोनेल मेसी जो कि आपके अर्जेंटीना के हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन बना है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सजी यह है आपका पंजाब। दोस्तों पंजाब देश जो आपका है यह पहला राज्य है जिसने लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने के लिए अधिकार देने का आदेश जारी किया है, मतलब सड़क के किनारे भी आपके छोटे फुटपाथ मतलब जैसे होते हैं फुटपाथ बनाए जाएंगे जिसमें लोग साइकिल से या पैदल आपके कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर सड़क में दुर्घटनाएं न होंगी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। दोस्तों यहाँ पर डीजल से चलने वाले जो आपके चार पहिया वाहन उनमें प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है, यहाँ पर आंसर देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2027 तक, कितने 2027 तक इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका आ गया है आपके सामने, 11 नंबर में आपका जवाब लगभग सभी का आ गया है, आंसर सी हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा सी नंबर राजस्थान आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। चलिए जो चीज फ्री में देने वाली चीज है ना उसको देते रहा करिए, उसको बचा कर रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जो चीज फ्री में देने वाली चीज है उसको दे दिया करिए, ठीक है ना, उससे पुण्य होता है, क्लियर है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, और टीचर को आप देंगे तो आपको तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये सब चीजें काउंट की जाती है, धीरे धीरे भगवान जी काउंट करते हैं कौन कितना दान कर रहा है। चलिए बताइए जल्दी से बताइए, कह रहा है कि किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, यहाँ पर भी हो जाएगा उत्तराखंड, जिसका भी ऑप्शन आ गया है बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना के अपने आधुनिकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।
दोस्तों यहाँ पर 213 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है तो प्रोजेक्ट संजय है। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय सेना के अपने आधुनिकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट संजय आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का जो निर्णय लिया है ना, ऐसा कौन सा सरकार किया है, यहाँ पर 214 का ऑप्शन देना है। गलती किसी के नहीं होना चाहिए, अगर आपकी गलती हो जाते हैं तो फिर हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं होता है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाए और आप लोगों से गलती हो जाए, है ना। तो भैया बताया है कि हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य में से कौन सा है, यहाँ पर आंसर देना है। दोस्तों आप समझेगा आपका बी नंबर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। 215 का ऑप्शन देना है, आपको बताना है भैया कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो 2000 साल पुराने आपके हैं तो कहीं ना कहीं आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन किया है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सितवे बंदरगाह जो आपका है कहाँ पर है, आप कहेंगे सर 216 की अगर बात करते हैं तो ये है आपके म्यांमार में है, कहाँ पर है ये आपके म्यांमार में है और ये भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य में से कौन सा है, दोस्तों यहाँ पर 217 का ऑप्शन देना है। 217 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा केरल हो जाएगा, याद रखिएगा कि भैया उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्वयं की रैंकिंग शुरू करने वाला यहाँ पर केरल पहला राज्य आपका बन चुका है, तो ऑप्शन जिसका आएगा ये नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दिया है, दोस्तों यहाँ पर जवाब देना, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दे दिया है, दोस्तों ये आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये जो बुंदेलखंड पड़ता है, बुंदेलखंड के जो ललितपुर जिला है, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है, 219 की अगर बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, उत्तराखंड का आंसर है बन जाएगा, जो आपके कह सकते हैं विदेशों में रोजगार प्रदान करने के लिए है, तो ये इनको यहाँ पर मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू की गई, ऑप्शन आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन पिट्सबर्ग संवाद कहां पर आयोजित हुआ है, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, तो भैया ये है आपका बर्लिन, जो कि आपके जर्मनी में है, बर्लिन जो कि आपके जर्मनी में ये आपका आयोजित किया गया है, ये आपके 2-3 मई 2023 को आयोजित किया गया था, जो कि देखा जाए 40 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां भारत की पहली जल मेट्रो संचालन शुरू किया है, दोस्तों याद रखिए भारत की पहली जल मेट्रो संचालन है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, आप कहीं सर 221 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये कोची में है, कहां पर है, तो भैया याद रखिए भारत की पहली जल मेट्रो संचालन शुरू किया है आपके कोची, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, यहां पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए 222 का ऑप्शन लॉक करना है और आपका जवाब इनमें से क्या होगा, तो ये तिब्बती जो आपके धर्मगुरु हैं आपके दलाई लामा, इनको 1959 का भैया रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है क्या कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नया अध्यक्ष कौन बने हैं, सब क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब है और दोस्तों याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा आयोग के नया अध्यक्ष बना है ये है आपके अजीत कुमार मोहंती, कौन है अजीत कुमार मोहंती, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। 224 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो भैया ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका बी दिया गया है आपका रेल विकास निगम लिमिटेड और यहाँ पर ONGC जो आपका है, तो भैया आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, जवाब यहाँ पर देना है और गलती किसी से नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 225 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो सकता है, 225 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा सी नंबर, ये आपके हिरोशिमा में, कहां पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिरोशिमा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। हिरोशिमा कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे जापान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, चलिए बताइएगा कि त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए इतनी बार ये क्वेश्चन पड़े हैं, ये जो क्वेश्चन आपके इतनी बार आपको पढ़ाया गया है कि बिल्कुल हलवा है, देखा जाए तो आप लोगों के जवाब देखिए बिल्कुल रट्टा वाले आ रहे हैं, यहाँ पर सौरव गांगुली क्या हो जाएगा, सौरव गांगुली आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों याद रखिए देश का सबसे बड़ा क्या है, हाई कोर्ट है और भैया ये कहां पर आपका बना है, यहां पर जवाब देना है।
चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा रांची, जो कि आपके झारखंड में है। रांची जो आपके झारखंड में है, यहाँ पर आंसर आपका भी नंबर है, राइट हो जाएगा भी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है तो भैया मास्टर कार्ड क्या हो जाएगा, आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में मास्टर कार्ड ने भारत पे की जगह भी लिया है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है क्या कि भैया युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था। भैया जो आपके सूडान में फंसे लोग थे ना, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया था, कावेरी, ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में इसरो ने श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया है और सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पर 230 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम है यहाँ पर टेलेसोस। क्या लिया है, टेलेसोस नाम का जो 2 है ये ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये आपका लॉन्च किया गया है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। चलिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है कि वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन सा है, जवाब देना है। चलिए बताइएगा, करंट अफेयर पढ़ने में आनंद आता है कि नहीं आता भाई, क्यों भाई करंट अफेयर पढ़ने में आनंद आता है कि नहीं आता है, आता है, सभी लोग बताएंगे कि करंट अफेयर पढ़ने में आनंद आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग सोचो कि आज से पढ़े और आज से आनंद मिल जाए तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर इतनी क्लासें आपको दी गई हैं कि भैया जब आप लगातार जुड़े रहे होंगे तो भैया आज की क्लास आपको आनंद बिल्कुल आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, इन्हें बिल्कुल करंट अफेयर आपके यहाँ पर रट्टे वाले आपके हैं, ठीक है ना। जब मेहनत डेली करोगे तभी सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर यहाँ पर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए 231 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, डी नंबर ये है भैया आपकी दीपिका मिश्रा। याद रखिएगा भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है, ये दीपिका मिश्रा जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी है, दोस्तों याद रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। चलिए तो भैया याद रखिएगा कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरा स्थान आपका है, यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका भी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट आपके सामने यहां पर क्या दिया गया है, देखो दिया गया है आपसे कि अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश आपका कौन सा है। तो जब आपसे पूछा गया है तो कहीं ना कहीं आप तुक्का भी मार दोगे, क्या मार दोगे, भारत की बात हो रही होगी, तो आप समझेगा यहाँ पर से नंबर है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे कि हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहा शंघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, जवाब देना है 334 नंबर में। तो यहाँ पर याद देखिएगा मुंबई, क्या हो जाएगा मुंबई, मुंबई के ताजमहल पैलेस में यह चौथा और अंतिम कार्यालय जो कि शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन हुआ है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ पर खोला गया है। चलिए बताना है कि 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहां पर खोला गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भैया 235 को ऑप्शन देना है, 235 को ऑप्शन देखा जाए तो भैया मुंबई जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, उसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य में से कौन बना है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य में से कौन है, 236 नंबर में। 236 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये है आपका केरल, क्या है केरल जो आपका है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विजडन क्रिकेट ईयर विजडन क्या दिया है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर आपकी कौन बन गई है। दोस्तों देखा जाए इनका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, इनका नाम है आपका हरमनप्रीत कौर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक निर्यात जो गंतव्य है वो आपका कौन सा है। दोस्तों 238 को ऑप्शन देना है, 238 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा यूएई, क्या हो जाएगा यूएई, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है, जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिखा जाए जो ऑप्शन आपका ये है आपकी नंदिनी गुप्ता, क्या हो जाएगा नंदिनी गुप्ता ऑप्शन यहाँ पर नंबर जिसका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया है। चलिए भाई बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में जो पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ना, मतलब एम्स जो आपका है पूर्वोत्तर का ये पहला एम्स है। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका भी हो जाएगा आपके गुवाहाटी में, कहां पर है ये आपके पूर्वोत्तर का पहला एम्स आपके गुवाहाटी में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 241 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका है किस देश में भारत द्वारा निर्मित किया गया है बुजी ब्रिज, इसका उद्घाटन किया है एस जयशंकर, जो कि आपके विदेश मंत्री है।
दोस्तों यहाँ पर 41 की अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पर भैया आपके मोजाम्बिक में, कहां पर है मोजाम्बिक जिसका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नंबर आपका जवाब है राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि टाइम पत्रिका क्या दिया है, टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका 242 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिए ए और बी दोनों, अर्थात यहाँ पर जो शाहरुख खान है और आपके एस एस जो आपके हैं कौन है राजा मौली हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर देखो कह रहा है क्या, कह रहा आपसे हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है। 243 क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है और बताएंगे भैया कि देखा जाए हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन आपकी शुरू की कहाँ पर की गई है। चलिए 243 की अगर बात करते हैं तो देखिए आपके जवाब भी आने शुरू हो गए हैं, आपका जो आंसर बनेगा ए नंबर आपके कोलकाता में, कहां पर है कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी के नीचे ये बना हुआ सुरंग आपका स्टेशन है जिससे गुजरेगी, तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा क्या नाम दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 244 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इसका नाम दिया गया है रैपिड एक्स, क्या दिया गया है रैपिड एक्स, ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा यहाँ पर नाम दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा रैपिड एक्स जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आपके हैं है ना, बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आपके हैं, बिल्कुल रट कर लेना है आप सभी को। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मध्य प्रदेश में 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, जैसे भेड़ाघाट का स्टोन था, डिंडौरी की गोंड पेंटिंग थी, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन की बाटी का प्रिंट और बालाघाट की रेशम की साड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे मध्य प्रदेश की पेंटिंग पूछा गया है तो 45 को ऑप्शन क्या अलाउ करेंगे, तो आप कहेंगे सर जी ये आपकी कौन सी है गोंड पेंटिंग है, कौन है तो आपकी ये गोंड पेंटिंग है दोस्तों याद रखना है ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कह रहा है किस राज्य का मशहूर कुंभन पनीर थ्रेचाई जो कि कुंभन अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों आपको ये बताना है जो कुंभन अंगूर है, क्या कुंभन अंगूर है, जीआई टैग की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको जीआई टैग की पीडीएफ आपको भेज दी गई है ठीक है। तो दोस्तों कुंभन अंगूर नहीं भेजेगी तो शाम को मिल जाएगी, बस आप कमेंट कर देना। दोस्तों कुंभन अंगूर की अगर बात करते हैं तो भैया देखा जाए तो ये जो जीआई टैग है कहां का है, 246 का ऑप्शन दोस्तों, ये सी नंबर आपका तमिलनाडु का हो जाएगा ठीक है, सी नंबर तमिलनाडु का है कुंभन अंगूर, इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए अंगूर में जैसे टाटे कमला आपका होता है तो आप सभी को मालूम होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हाल ही में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास हुआ है, यहाँ पर बताना है। 247 को ऑप्शन दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा, इसका नाम है कोप इंडिया 23 ठीक है ना, कोप इंडिया 23 यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये भारतीय वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच ये द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है जिसका नाम है कोप इंडिया 23, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा, ताकि देखा जाए दोनों ही सेनाओं के बीच समझ को बढ़ाया जा सके है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे पार्टी का दर्जा दिया है। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। देखा जाए यहाँ पर दिया गया है कि भैया हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो इतनी बार पढ़ा गया है कि अगर आ जाए तो दिल खुश हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी ये है आपकी आम आदमी पार्टी AAP जो आपकी है, ये भैया इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर पूछे वर्तमान में आपकी कितनी पार्टियां हैं तो आप कहेंगे सर जी 6 पार्टी आपकी हैं जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है ना, क्या कहेंगे कि 6 पार्टी ऐसी पार्टी है जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। पहले 8 पार्टियां थी लेकिन अब वर्तमान में कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6 पार्टियां ही आपकी वर्तमान में है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में अडानी पावर, देखो क्लास के बीच में कमेंट मत किया करें ठीक है ना, क्लास के बीच में कमेंट ना किया करें, याद रखिएगा क्लास के बाद में जो भी आपको पूछना है, क्लास के बाद में जो भी आपको पूछा करना है वो आप पूछ लिया करें। आप लोग समझदार हैं, हम जानते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हम आपको वही चीज देते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट होता है, मेहनत करके पढ़ाते हैं और आप कभी प्रयास करते हैं कि आप भी मेहनत करिए और मेहनत से ही समझिए, मेहनत जितना कर लेंगे उतना वेस्ट होगा। क्लास में अगर आप बोलेंगे तो डिस्टर्बिंग हमें भी होगी और आपको डिस्टर्ब होंगी, तो जब क्लास आपकी खत्म हुआ करे तो क्लास के बाद में जिसको जो भी पूछना हो तो क्वेश्चन ना पूछा करें, डायरेक्ट बोला करिए सर जी मुझको ये समस्या है और ये क्या है ठीक है ना, क्लास के बाद में आप लोग कमेंट करिए ठीक है ना। और जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, पूरा सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा जैसे कि आपके यहाँ पर डेली रहता है ठीक है, तो लाइक से लगातार सभी लोग कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में अडानी पावर ने झारखंड के गोट्ठा थर्पल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है। 249 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा आपका बांग्लादेश, क्या हो जाएगा बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति से पड़ोसी देश में ऊर्जा, मतलब कह सकते हैं ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और किसके द्वारा, तो अडानी पावर ने ये झारखंड के गोड्डा में ये आपका शुरुआत किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपसे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर, कामासेर, इनके संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है।
बिल्कुल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट में से क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब ए हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। क्या है? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जिसको ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग नारकोटिक्स ड्रग और संयुक्त यूएन कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट बोर्ड का सदस्य देश बना गया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग नारकोटिक्स ड्रग और संयुक्त यूएन कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट बोर्ड का सदस्य देश कौन सा बना है। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर जो बनेगा इनमें से आपका बी हो जाएगा, यह है आपका भारत। कौन है? भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग नारकोटिक्स ड्रग और संयुक्त यूएन कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट बोर्ड के सदस्य बनने के लिए यहां पर चुना गया है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, देखो दिया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है। तो दोस्तों इन्होंने अपनी पहली फाइटर उड़ान भरी थी, ये आपके अप्रैल महीने में किया था, लगभग 8 अप्रैल के समय। तो दोस्तों इसका नाम है सुखोई, है ना? क्या नाम है? सुखोई 30 MK1, जो आपका है ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। तेजपुर कौन सा? असम का हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है। आपको बताना है कि भैया जो वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आपका हुआ था, है ना, ये वाशिंगटन डीसी में हुआ था, और सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जो जीता है वो किसने जीता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 253 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस में अपना पुरस्कार यहां पर जीत लिया है। अब समझेगा आपका डी नंबर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। जवाब देना है कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है, और ये जो जीआई टैग आपका मरचा चावल बिहार में कहां पर, तो आपके पश्चिम चंपारण का पर हो जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले के लोगों ने विशेष रूप से किसानों के लिए ये गौरव का क्षण आता है जिनके लिए जीआई टैग मिला है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। 255 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा 255 में, तो ऑप्शन क्या बनेगा जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे सर जी 255 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो आपका क्या है महाराजगंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसका आपका बनेगा क्या, यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। दोस्तों आपको बताना है कि भैया 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर आपका है। 256 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा कर्नाटक, जो कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से न्याय प्रदान करने के मामले में शीर्ष स्थान पर आता है। रिपोर्ट में जो आपका दोस्तों कर्नाटक है पहला स्थान है और तमिलनाडु जो आपका है वो आपका दूसरा स्थान है। दोस्तों वहीं पर उत्तर प्रदेश का जो आपका सबसे नीचे 18वां स्थान आपका दिया गया है, यहां पर आपका 18 आपकी यूपी का है। जबकि योगी जी कहते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का क्राइम नहीं होता है और होता है तो उसका न्याय मिलता है ना, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ये सब गलत दिया गया है, ठीक है? रिपोर्ट के अनुसार भैया जो रिपोर्ट आएगी उसी को माना जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब है कि नाटो का 31वां सदस्य देश आपका कौन बना है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है और आप सभी लोग जवाब देंगे कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बनाया गया है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आ गया है, देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर फिनलैंड, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य देश बनाया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस शहर के मशहूर पान लंगड़ा आम रामनगर भाटा अर्थात जिसे बैंगन कहते हैं और आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। देख सकते हैं जीआई टैग हमने बता दिया है, पढ़ा भी दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपके हैं मशहूर पान लंगड़ा आम रामनगर भंटा या आदम चीनी चावल जो जीआई टैग दिया है कहां के, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए उम्मीद से ज्यादा आंसर यहां पर आ गए हैं, सबके जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल सही, ऐसे ध्यान लगा के आपको पढ़ना है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है। दोस्तों ये आपका बासमती चावल है नगरी दुबराज है ना, और दोस्तों याद रखिए इसको जीआई टैग मिला है और ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका है कहाँ का है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों ये है आपके छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बासमती नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है ना। देखा जाए तो यह दुबराज राज्य की दूसरी फसल है जिसको जीआई टैग मिला है। दोस्तों याद रखिएगा जो आपका ये जो आपका है ये इसके यहाँ की दूसरी आपकी है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है क्या कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। 260 का जवाब देना है, कह रहा है किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है, 260 का ऑप्शन देना है। अब आप कहेंगे सजी 260 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से हो जाएगा ये आपके कहां की है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा है। क्या? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन की ओर से
भौगोलिक संकेत का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, और टैग मिलने के बाद कांगड़ा से चाय सीधा यूरोपीय देशों में निर्यात हो सकेगी। मतलब अगर जीआई टैग मिल गया है यूरोपीय का, तो इसका मतलब है कि भैया डायरेक्ट यहाँ पर देखा जाए जो चाय है वो यूरोपीय सदस्यों में निर्यात की जा सकेगी, जिससे व्यापारी काफी लाभ होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला राज्य का पहला राज्य कौन बन गया है। चलिए सभी लोग यहाँ पर लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर भूल गए हैं, अगर भाई क्योंकि आप लोग भाई कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, टाइम से आते हैं बहुत, वो भी अच्छी बात है। जब क्लास में जुड़ जाते हैं तो लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट क्या होता है, आपका सपोर्ट वही है कि आप लोग लाइक करेंगे तो हमारा सपोर्ट है आपके प्रति आपका होगा और आपका हमारा सपोर्ट यहाँ पर बनेगा। तो लाइक शेयर की संख्या बिल्कुल आप लोग बढ़ाते रहिएगा, ठीक है ना, दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपको जो हम करंट अफेयर देते हैं बिल्कुल सिलेक्टेड वाली आपकी है ना। यहाँ पर देखो दिया गया 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला ये भारत का पहला राज्य कौन है। आप जवाब देंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर जवाब देना है, आप कंसर्न में से क्या हो सकता है। 261 को ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए तो भैया देखा जाए तो आपका दिया गया है विद्युत रेलवे नेटवर्क, ये आपका हरियाणा हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 261 का जो ऑप्शन आ रहा है यहां पर डी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि विद्युत के मामले में क्या, अगर ये पूछे कि भैया 100% घरों में विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो घरों में जो विद्युत आपूर्ति है वो आपका गुजरात है। लेकिन आपसे पूछा गया है रेलवे नेटवर्क, तो ये आपका हरियाणा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये मार्च 2023 के अपडेट के अनुसार आपका है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होता है, और रिपीट क्वेश्चन होते हैं तो आपको भी करंट अफेयर पढ़ने में आनंद आता है। अब देखा जाए तो हमने बताया भी है कि अब आनंद वाली क्लासें आपकी होंगी, करंट अफेयर में आनंद वाली क्लासें होंगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको तैयार हो गया, आपको पढ़ने में आनंद आएगा और आपके अंदर जुनून बढ़ेगा कि नहीं हम कर सकते हैं, करंट अफेयर को भी हलवा कर सकते हैं। वो तभी होगा जब आप पूरा अपना समय देंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि महिला प्रीमियर लीग 2023, दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस जो कि ऑप्शन आ गया है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, और किसको हराया है तो दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया था। और अगर पूछे कि आईपीएल में महिला की जो आपको महिलाओं का जो आपका हुआ था इसमें कितने टीमों ने भाग लिया था, तो 5 टीमों ने भाग लिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023 दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 263 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा, इनका नाम है सी आर राव। क्या नाम है? सी आर राव, जो कि शीर्ष सांख्यिकी पुरस्कार जीता है, उनके अग्रणी कार्य के लिए ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर हाल ही में किस राज्य में स्थित मांडा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब ये भारत, ये अब ये पहला भारतीय गांव बन गया है। दोस्तों बताइएगा कहां पर है। दोस्तों याद रखिएगा इसे पहले अंतिम गांव मानते थे भारत का, लेकिन अब ये पहला भारतीय गांव हो गया है। तो क्वेश्चन तो बनना वाजिब है, बन सकता है, यहाँ पर जवाब दीजिए आप, आंसर क्या हो जाएगा। 264 को ऑप्शन देखिए नंबर जिसका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये है आपका उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है। बताना है कि हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा। 265 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है सी ड्रैगन 23, है ना, ये 7वां संस्करण आपका रहा है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। 266 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भैया मिस्र है। क्या है? याद रखिएगा कि भैया ब्रिक्स देशों में नए सदस्य के रूप में मिस्र यहाँ पर शामिल हुआ है। आप सामने आपका डी नंबर है। दोस्तों याद रखिएगा कि जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों के नाम का ऐलान किया था। दोस्तों सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथोपिया, मिस्र, है ना, ये नए सदस्य आपके होंगे, ये इन्होंने ऐलान किया था, तो इसका ऑप्शन आपका बन गया है डी नंबर, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे उत्तराखंड में कहां एशिया के सबसे बड़ी 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। 267 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, ये है आपका देवस्थल। क्या हो जाएगा? यह नैनीताल का जो आपका है ना, क्या उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशन साइंसेज, ये आपका है दोस्तों आपका देवस्थल, जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश आपका कौन सा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि दुनिया का सबसे खुशहाल जो देश है आपका इनमें से क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं जवाब बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा भी है, जवाब भी देखिए यहाँ पर आ भी रहा है। आपका जो आंसर नंबर बनेगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आंसर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। दोस्तों आपका जवाब जिसका आया है सी नंबर, फिनलैंड, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। देखा जाए तो लगातार छठवीं बार ये पहला स्थान इसमें से हासिल किया है, दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। और अगर हम आपसे पूछे कि भैया भारत को स्थान कौन सा मिला है, आप क्या जवाब देंगे, भारत को इस स्थान कौन मिला है, जल्दी से बताइए। आपको बताना है कि भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा स्थान मिला है, यहाँ पर जवाब देना है, जल्दी से बताइए भाई।
यहाँ पर भारत को 126, वेरी गुड, याद रखिएगा कि 126वां स्थान आपको मिला है भारत को। अगर पूछे सबसे अंतिम स्थान मिला है तो आप याद रखिए 137 देशों की सूची में सबसे अंतिम मिला है अफगानिस्तान को। किसको मिला है? अफगानिस्तान को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर देखो कि बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है। दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत का पहला तितली पार्क है और दोस्तों देखा जाए तो ये आपका हुआ कहां पर है, कहां पर है तो ये है आपके त्रिपुरा में है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, त्रिपुरा आंसर है, राइट हो जाएगा। वैसे देखा जाए भारत में तो भारत में बेंगलुरु का जो तितली पार्क है बन्नेर घाटा तितली पार्क, ये भारत का सबसे पहला तितली पार्क है। ये पूछा गया है आपसे पूर्वोत्तर भारत में तो आपका त्रिपुरा में हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल सही है, रतन टाटा हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा रतन टाटा को मतलब कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ये आपका सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में 2023 किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है। देखिए कितना अच्छा आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए दुनिया में घूमने वाले 50 असाधारण स्थलों में शामिल किया गया है आपकी किसको, तो यहाँ पर देखिए 71 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 71 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ए और बी दोनों, अर्थात आपके लद्दाख को भी और आपके मयूरभंज जो आपका है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ पर है तो आपके उड़ीसा में है दोस्तों, याद रखना है। तो दोस्तों ये जो आपके ऐसे स्थल है जो भारत में आपके घूमने के हिसाब से है ना यहाँ पर शामिल किए गए हैं, तो बहुत ही एमपी क्वेश्चन आपका है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को किस पुस्तक जो कि उनकी आत्मकथा है उसके लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। चलिए जवाब देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा यहां पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा सूर्यवंशम, क्या हो जाएगा सूर्यवंशम है दोस्तों, याद रखिएगा शिव शंकरी की पुस्तक इनकी आत्मकथा है और इसके लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यहां पर सूर्यवंशम जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, और उम्मीद है कि सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन को बिल्कुल रट्टा मार लेना है, बिल्कुल आईएमपी आपका है, सरस्वती पुरस्कार पूछा जा सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोची में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंटल कलर प्रदान किया है। दोस्तों ये बताना है कि भैया यहाँ पर कोची में विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है ये किसने, तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 73 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, INS द्रोणाचार्य, क्या हो जाएगा INS द्रोणाचार्य को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह रंग प्रदान किया गया है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। देखो यार रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा 2030, क्या हो जाएगा 2030 तक देखा जाए तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का पूरा लक्ष्य यहाँ पर योजना बनाई गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर देखना है, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत आपके कौन नियुक्त हुए हैं। चलिए बताइएगा ये हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत आपके कौन नियुक्त हुए हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 75 का ऑप्शन देखिए जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन है जबका एरिक गारसेटी, क्या नाम है इनका, नाम है गारसेटी भैया, आपका आंसर आपका हो जाएगा। अमेरिका ने दो साल बाद दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति किया है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है और क्या क्या आ रहा है देखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश आपका जो है यहाँ पर भारत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है मेथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहां पर किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि मेथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा जो है इसका अनावरण किया गया है ये कहां पर किया गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी ये है आपकी बेंगलुरु, क्या हो जाएगा बेंगलुरु में पहली मेथेनॉल संचालित बसों का अनावरण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा और इसका उद्देश्य यह है कि प्रदूषण को कम किया जा सके, क्या प्रदूषण को कम किया जा सके। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया मतलब चार पैरों वाला रोबोट और एक्स्ट्रो स्टेशनल विकसित करने की घोषणा किया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका नाम है साइनो रोबोटिक्स, क्या नाम है स्वयं रोबोटिक्स बोल दीजिए या स्वयं रोबोटिक्स आपका हो जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक काफी अहम योगदान होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, यह भारत का पहला स्वदेशी चौपाया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है देखिएगा कि स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश है बताया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये 8वें नंबर का है, ठीक है, 8वां सबसे प्रदूषित देश है बताया गया है, जबकि 2021 में क्या था तो 5वें स्थान पर था। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? यहाँ पर बताना है कि अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विस देने वाले बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका बी नंबर सिलिकॉन वैली बैंक कौन है। अमेरिकी बैंक ने दिवालिया होने का भारत पर कितना, भैया यहाँ पर याद रखिएगा आपकी सिलिकॉन वैली बैंक, इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है, बताइएगा। तो आप कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है सिद्धू रद्दा, क्या नाम है, सिद्धू रद्दा जो स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो आपके हुबली जो कि आपके कर्नाटक में है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। इसकी लंबाई कितनी है बता सकते हैं क्या, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1505 मीटर है दोस्तों, 1505 मीटर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 95 ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 282 बिल्कुल आपका एमपी है, स्टार लगाना है तो आप लोग स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। याद रखिएगा कि ऑस्कर है ना 95 नंबर का ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है और ये अवार्ड जीता है भारतीय फिल्म ने, तो इसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा ए नंबर, वेरी वेरी एमपी दोस्तों याद रखिएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपकी राजमौली की जो फिल्म है आपकी ट्रिपल आर, इसके गाने के लिए जो नाटू नाटू था उसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड यहाँ पर मिला था, तो दोनों चीज को आपको याद रख लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 95 नंबर का ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है। तो दोस्तों अभी हमें हमने जिक्र किया था क्योंकि हमें मालूम है कि भैया जब वो क्वेश्चन बन सकता है तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही आसानी से बनेगा। और देखिए आपका आंसर आ गया है और आप सबका जवाब बिल्कुल सही है, कोई आप पर डाउट नहीं है कि आप लोग बिल्कुल नहीं सही करेंगे, 100% सबका जवाब सही है, ट्रिपल आर इसका आंसर राइट हो जाएगा, ट्रिपल आर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर समझना है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। तो दोस्तों ये आपका 12 साल पुराना उपग्रह था और इसको भैया प्रशांत महासागर में गिराया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका नाम है मेघा टॉपिक्स फर्स्ट, क्या नाम है, मेघा टॉपिक्स फर्स्ट इसका नाम है, मतलब इसे हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे तो आप कहेंगे सर जी MT1, क्या हो जाएगा, MT1 को हाल ही में नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है, तो ऑप्शन जिसका आएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्ड सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बर्लिन में एक आपकी आयोजित हुई थी है ना, यहाँ पर गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 285 नंबर IMP है और IMP इसलिए है क्योंकि भैया ये जीती है भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार, ठीक है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जीते गए हैं ये पुरस्कार, दोस्तों याद रखना है भारतीय पर्यटन मंत्रालय आपका गोल्डन और सिल्वर स्टार आपका भारत सरकार। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है जो कि बहुत ही IMP है, कह रहा है के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उसके किस व्यंग उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया है। और इस क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया तो दिल टूट जाएगा हमारा, अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने गलत कर दिया तो फिर हमारा पढ़ाने और ना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि हमने आपको बहुत बार पढ़ाया, थोड़ा ट्रिक भी बताया है ना, ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन हो, और इसको हमने बहुत विधवा तरीके से बताया भी था। देखते हैं भैया कितने लोग हैं जो हमारे दिल को यहाँ पर तसल्ली देंगे कि चलिए मेहनत करते हैं और आप लोग भी मेहनत से तैयारी करते हैं। चलिए जवाब आ रहा है, कह रहे हैं सर जी यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर या सी नंबर। चलिए कुछ लोग यहाँ पर ये दिए हैं लेकिन बहुत लोगों ने जवाब दिया है सी नंबर, तो चलिए कुछ लोग तो होंगे जो भैया जबरदस्ती कॉल दे रहे हों, याद रखिएगा यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही। हमने आपको देखो हिंदी में बताया था कि ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान और पागलखाना, कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी क्या होता है पागलपन बना देता है ना, तो यहाँ पर ज्ञान और पागल याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन का भी जवाब देना है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और ये है ऑस्ट्रेलिया, क्या, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन, एंथोनी अल्बनीज ने, क्या, एंथोनी अल्बनीज ने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जायजा लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा, डी वाला हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीजी, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर, और इस पोत का नाम क्या है, तो INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों बताना है किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे, तो दोस्तों इनका नाम है श्रेया घोड़ावत, क्या नाम है, श्रेया घोड़ावत नाम है इनका, दोस्तों याद रखना है ना, एक वैश्विक अभियान जो कि जलवायु परिवर्तन या जलवायु कार्यवाही में तेजी लाने के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाया है ना, ताकि महिलाएं भी थोड़ा से जागरूक हो सके। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है। लाजवाब क्वेश्चन के सामने है और आपको जवाब देना है आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली ये पहली महिला अधिकारी है, इनका नाम क्या है जवाब देना है।
इनका नाम क्या है दोस्तों यहाँ पर 89 नंबर में, 89 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 89 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इनका नाम है कर्नल श्रेया रणावत। क्या नाम है? कर्नल श्रेया रणावत इनका नाम है। तो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और अभी 5 जून को भी एक काम हुआ था कि 5 जून को एक नाम था कर्नल सुचिता शिखर, सुचिता शिखर उन्होंने यहाँ पर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का बटालियन संभाला था। किसका? मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभाली थी, जो कि पहली महिला अधिकारी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की बन गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 290 दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीन का नाम है कैप्टन, कैप्टन शालिजा धामी। क्या? कैप्टन शालिजा धामी ये मार्च में दोस्तों IAF लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला आपकी बन गई हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा। और शालिजा धामी एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक भी हैं, उन्होंने देखा जाए तो 2800 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरी है। तो इसका ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैनाभ्यास संपन्न हुआ है? तो दोस्तों ये भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच ये पहला युद्ध अभ्यास हुआ है, कहां पर? आपके तिरुवनंतपुरम में। और भैया देखा जाए नाम क्या है, तो आप कहेंगे यहां पर जो आपका आंसर होगा डी नंबर है, इसका नाम है फ्रिंजेक्स। क्या नाम है? फ्रिंजेक्स 23 आपका है, जो कि 6 मार्च 2023 को किया गया था। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये IMP इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला संयुक्त सेना अभ्यास है, किसके साथ? भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में, कहां हुआ? तिरुवनंतपुरम में। क्या नाम है? फ्रिंजेक्स 23 नाम है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और कह रहा है अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? चलिए साथियों बताइएगा कि अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये पृथ्वी का अवलोकन करने वाला ये उपग्रह है ना, किस उपग्रह को भारत को सौंपा है? तो भैया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका नाम है निसार। क्या नाम है? निसार नाम है दोस्तों, निसार इसका आंसर राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो ये जो आपका है पृथ्वी का अवलोकन करने वाला आपका उपग्रह है, क्योंकि देखा जाए अमेरिका के नासा और इसरो के द्वारा इसे संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? चलिए साथियों यहाँ पर जवाब देना है कि हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान के जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? दोस्तों इस मिशन का नाम क्या है, यहाँ पर जवाब देंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हर पेमेंट डिजिटल। क्या हो जाएगा? हर पेमेंट डिजिटल मिशन के शुभारंभ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सेव लॉन इंडिया ने, क्या? सेव लॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर है और ये है भैया कौन है, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर सचिन तेंदुलकर। क्या हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है भैया बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए, सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक तरीका ये होता है कि भैया हाथ धो लीजिए, है ना। तो आपका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो जीता है वो किसने जीता है? बताइएगा कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों आपने पढ़ा होगा मीराबाई चानू, है ना, मीराबाई चानू, जो कि देखा जाए 29 मार्च के लिए यह पुरस्कार जीता था, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भैया कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? अब आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय को हराया है, जो कि 76वें नंबर का ये संस्करण था। तो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने की पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान यहाँ पर लॉन्च किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? अब आप क्या जवाब देंगे यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर आपका कैच द रैन 2023। क्या? कैच द रैन 2023 जिसको ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों यहाँ पर 298 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर है। ये आपके हैं डी गुकेश। क्या नाम है? भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं, जो कि महाबलीपुरम में 44वें नंबर के शतरंज ओलंपियाड में यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा है, स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदी के किस कवि या लेखक को साहित्य का ऑस्कर कहा जाने वाला अमेरिका का पेन या नोबा को अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? ये साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। किसे? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका नंबर है राइट हो जाएगा, ये अमेरिका का नोबा को अवार्ड है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है?
चलिए बताइएगा भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों भारतीय मूल के हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है प्रोफेसर हरि बालकृष्णन। क्या नाम है? प्रोफेसर हरि बालकृष्णन इनका नाम है, जो कि 2023 के लिए कंप्यूटर साइंस के सबसे प्रतिष्ठित मार्कोनी पुरस्कार, क्या जो मार्कोनी पुरस्कार होता है वो कंप्यूटर साइंस के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ये दिया गया है आपके हरि बालकृष्ण को दिया गया है। तो ऑप्शन जिसका आएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वायुसेना का देशी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित जेट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। दोस्तों देखिएगा भारतीय वायुसेना का देशी फाइटर जेट है जिसका नाम है तेजस, और तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका मतलब ये हो गया कि आंसर सी हो जाएगा यूएई, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि हाल ही में यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में से किस स्थान पर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि भैया 55 देशों में से देखा जाए तो भैया भारत का जो स्थान रहा है वो आपका कौन सा स्थान रहा है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा तो नोट कर लीजिएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 42वें नंबर पर रहा है। क्या 42वें नंबर पर रहा है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब 6वीं बार जीता है। यहाँ पर जवाब देना है 303 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भैया आप कहेंगे कि भैया ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन किया, और देखा जाए तो भैया केप टाउन में न्यूलैंड्स के मैदान पर फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका को हराकर 19 रन से हराकर यहाँ पर ये कह सकते हैं 6वीं बार खिताब जीता है। आपका आंसर जवाब कभी नंबर दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये जीता है अपना 6वीं बार रिकॉर्ड जो कि खिताब। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव सामना कर सकने वाला गेहूं की एक नई किस्म विकसित किया है। मतलब दोस्तों देखा जाए जो मौसम में क्या होते हैं बदलाव होते हैं उस बदलाव का भी ये सामना कर सकने वाला गेहूं की एक प्रजाति है, और ये भैया विकसित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। तो भैया इसका नाम क्या है, यहाँ पर देखिए इसका नाम है HD3385। क्या HD3385 इसका आंसर राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और कह रहा है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन कहाँ पर आयोजित हुआ है। ये दोस्तों भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास इसका नाम है एक्स धर्म गार्डियन है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 305 का जवाब से बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका नंबर कैंप इमाजू जो कि आपकी जापान में कहां पर है, जापान के एक सीगा प्रांत है कैंप इमाजू, वहां पर आपका युद्ध अभ्यास हुआ है जो कि चौथा संस्करण था। क्या चौथा संस्करण था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीआईपी क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के यूपीआई और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया जो आपका यूपीआई है ना और पे नाउ है इनके बीच आपका ऐतिहासिक करार हुआ है, डिजिटल पेमेंट होता है और ये हुआ है सिंगापुर के बीच। इसको ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका सिंगापुर, इसका आंसर राइट हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो आपकी क्लास होती है वो आपकी कंप्लीट होती है। बेहतर क्लास आपकी रही है, जबरदस्त क्लास रही है, और भैया आप लोग भी वीडियो को लाइक से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।